सरोज रज निज मन मुकुल सुधारी बरनउ रघुबर बिमल जस जो दायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हर शिव दुलाए रघुपति किन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई सहस्र वदन तुम रोज स गावे अस कही श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिगपाल जहां ते कभी कोविद कही सके कहां ते तुम उपकार सुग्रीवहि किन्हा राम मिलाय राज पद दिन्हा तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्र जो जन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानु प्रभु मुद्री का मेली मुख माही जल दिलांग गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे ते राम दुआरे तुम रखवारे हो तन आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी शरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाँकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारो जुग पर ताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असबर दीन जान की माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा
तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंतकाल रघुबर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चितन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट हरे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो देवकी नाई, मान प्रिय हो, बोलो भाई सब संतन प्रिय हो। हरि ओम आनो भद्रा क्रतवो यन्तु विश्वतो दग्धासो अपरितास उद्विद देवानो यथा सदमिद हृदे असन्न प्रायो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रा सुमते रुजुयतां देवानां रातिरविनो निवर्ततां देवानां सख्यमुपसेदि मा वयं देवान आयु प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वया निविदा भूमहे वयं भगं मित्रमदिदिं दक्षमश्रिदं अर्यमणं वरुणं सोममश्विना सरस्वती न सुभगा मयस्करत तन्नो वातो मयो भुवातु भेषजम् तन्माता पृथिवी तत्पिता द्यो तद्ग्रावान सोमसुतो मयो भुवस्तदस्विना श्रुणुतं धिष्ण्यायुवं तमीशानं जगतस्तस्तुचस्पतिं धियं जिन्वामवसे भूमहे वयं भूषानूयता वेदसाम सद्हृदे रक्षिता पायुरदग्ध स्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो वृतस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु वृषदस्वा मरुत वृष्णीमातर शुभं यावानो विदधे सुजग्मय अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षसो विश्वे नो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णे विश्वयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गे स्तुष्टुवांसस्तनूभिर्यशेम देवहितं यदायुः शतमिन्नु शरदो वन्ति देवा यत्रा नश्चक्राचरसं तनूनां पुत्रासो यत्र वितलो भवन्ति मानो मध्यारीरिषदायुर्गन्तो यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्ति प्रापश्शान्ति रोषदयशान्ति वनस्पतय शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि एवारेव एवा यज्ञे एवा इन्द्रः एवा हि भूषण एवा हि देवः पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदस्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ Thank you.
Oh,
जिते राम
राम कथा के दूसरे दिन पुनः एक बार मानसिक रूप में सरयू गंग में स्नान करके भगवान राम का ही भव्य दिव्य और सेव्य मंदिर में विराजित बाल रूप भगवान राम भद्र के चरणों में प्रणाम करते हुए इस तीर्थ के कोने कोने को प्रणाम करते हुए यहाँ के सभी साधु संत और सभी देव मंदिरों में विराजित प्रभु के स्वरूप को प्रणाम करते हुए कथा में उपस्थित सभी संतगण महंतगण आचार्य गण विद्वत गण समाज के विद्वित वर्ग के आदरणीय महानुभाव और इस नौ दिवसीय राम कथा राम जन्मभूमि न्यास की ओर से आयोजित लेकिन इसकी सेवा मनोरथी के रूप में जिस परिवार को प्राप्त हुई है इस पूरे मनोरथी परिवार और आप मेरे सभी श्रोता भाई बहन सभी को व्यास पीठ से मेरा प्रणाम। जय सियाराम। कल कथा शुरू हुई उसके बारे में बहुत सी बातें आई लेकिन इतनी जिज्ञासाओं का कथा के प्रवाह में लेना जरा मुश्किल है। एक दो बातें लेकर के आगे बढ़ूँगा। पूछा गया कि आप मानस राम मंदिर पर बोल रहे हैं तो ये मानस यानी रामचरितमानस राम मंदिर है ऐसा पूछा। मैं आपसे पूछूं आपको डाउट है? ये जंगम राम मंदिर है। ये त्रिभुवन में घूमता रहता है ये मंदिर है। रामचरितमानस का प्रत्येक सोपान एक एक मंदिर है। एक मुझे भी बोलने का मौका देते रहना। मैं आपका उत्साह और आपका आनंद समझ रहा हूँ। धन्यवाद। बालकांड ये भगवान राम का बाल मंदिर है। बालकांड बाल मंदिर है। बाल चरित अति सरल सुहाए सारद शेष शंभु श्रुति गाए। मेरे गोस्वामी जी कहते हैं बाल चरित्र प्रभु का इतना सरल और सुंदर है जिसका गायन सरस्वती जी करती है शेष करते हैं शंभु करते हैं। वाचो वदतु भद्रया श्रुति का एक टुकड़ा डालकर तुलसी कहना चाहते हैं श्रुति भी इस राम का वर्णन करती है। वाचो वदतु भद्रया भगवान राम अपने जीवन में श्रुति के कहने पर कभी अभद्र वाणी नहीं बोले। वेद भगवान हमें समझाते हैं कि 100 साल के अंदर हमारी आयुष पूरी हो जाएगी। इसमें बहुत ध्यान रखना हम सबको। वाचो वदतु भद्रया हमारी वाणी भद्र उच्चार करे।
इसलिए शारद शेष शंभु श्रुति गाए। इस रूप में राम का स्मरण श्रुति कर रही है कि भगवान ने कभी अभद्र बोली उच्चारित नहीं की। मैं आपसे एक निवेदन करूं, अभद्र बोली बोलनी हो तो घर में एक कमरा अलग बनाओ, वहां जितनी गालियां बोलनी हो बोलो, जितना क्रोध करना हो करो, जितना जो भी करना हो करो। ये बड़ी अच्छी परंपरा थी हमारे देश में, हमारे पुराने भारत में, कि सम्राटों के महल में एक कोप भवन बनाया जाता था। यस, वाल्मीकि का न्याय लोपी, कोई महल ऐसा नहीं था जहां एक कमरा बनाया जाता था जहां जब कोई रूठ जाए तो वहां जाकर बैठ जाए, जब किसी को रोने की इच्छा हो जाए तो वहां जाकर बैठ जाए, जब किसी को क्रोध करने की इच्छा थाए तो वहां जाकर बैठ जाए, जहां किसी को दूसरे कुछ बदला लेने की वृत्ति मुखर हो जाए, प्रबल हो जाए तो वहां जाकर बैठ जाए। हमारे शास्त्र कहते हैं कि हमारे पुराने काल में प्रत्येक राजाओं के महल में एक ऐसा कमरा रहता था। हमें भी अपने जीवन में एक कोना ऐसा रखना चाहिए कि जहां बैठकर हम रो सके अपने बुद्ध पुरुष की याद में, अपने इष्ट की याद में, अपने इष्ट ग्रंथ की याद में। ये जरूरी है। हम यदि अंदर पड़ा है तो निकलेगा ही, बमन होगा, तो उसके लिए कोई एक जगह निश्चित करो, वहां वहां जो बोलना है बमन कर दो। पूरे घर में ये बात, ये वस्तु व्याप्त न हो जाए, इसलिए बहुत ध्यान रखो। नेगेटिव तत्वों में ऊर्जा बहुत होती है, बहुत होती है, और उसको पूरे घर में फैलने में देर नहीं, अरे पूरे आश्रम में फैलने में देर नहीं लगती। घर तो छोड़ो, पूरे आश्रम को घेर लेती है। एक बुद्ध पुरुष के पास हमें अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि उसके पास अपने अणु परमाणु होते, अपनी एक महक होती है, एक स्मेल होती है, एक खुशबू होती है। वो आता है तो ये सब कुछ लेकर आता है। मैं एक चरित्र पढ़ रहा था हेलन किलर का, बड़ा अद्भुत चरित्र था, एक प्रकरण उसका मेरे हाथ में किसी ने दिया, मैं पढ़ रहा। हेलन किलर एक ऐसी शख्सियत जिसको आंख नहीं थी, कान नहीं थे, बधिर और बोल नहीं पाते, न जुबा है, न कर्णेंद्रिय श्रवण कर सकती है, न नेत्र देख सकते हैं, लेकिन कहते हैं उसके जीवन की एक विशिष्टता थी कि उसके पास कोई आता तो पहचान लेती थी कि स्नानागार से आया है, उसके पास कोई आता तो वो परिचय कर लेती थी कि शयन कक्ष से आ रहा है, उसके पास कोई आता तो वो समझ लेती थी, उसको गंध बहुत आती थी कि ये कोई उद्यान से, कोई बाग से आ रहा है, उसको गंध आती थी कि ये आदमी अपने बुद्ध पुरुष को प्रणाम करके आ रहा, अपने सदगुरु के चरणों में मत्था टेक के, उसको 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 एक हेलन किलर में ऐसी क्षमता यदि है तो बुद्ध पुरुष की खुशबू, सदगुरु के अणु परमाणु, आज ये इंद्रियां प्रबल, ये इंद्रिय प्रबल कुत्तों में, कुत्ते गंध ले सकते हैं। अब कुत्ते में इतनी सामर्थ्य है गंध लेने की, तो कुत्ते को रखने वाला गुरुदत्त में कितना सामर्थ्य होगा, जिस गुरुदत्त के पास कुत्ते रहते हैं। हमारे कच्छ के दादा मैकरण का कुत्ता मोतिया, वो यदि स्मेल ले सकता है कि कौन तृषातुर रण में है, कौन भूखा है,
तो व्याकरण तो ले ही सकता है। जिसको मेरी व्यासपीठ कभी कभी कहती है पीर की खुशबू, अपने पीर की खुशबू आती है। तो ऐसे कुछ नेगेटिव तत्व जो है इसके लिए कोना रखो, वहां बोल बोल करो, लेकिन पूरे घर में ये खुशबू व्याप्त, ये बदबू व्याप्त ना हो जाए। किचन में ना चली जाइए बात, वरना किचन में गड़बड़ हो जाएगी। ड्राइंग रूम में ना चली जाए, वरना वहां संताप पैदा हो जाएगा। विश्राम कक्ष में तो जाने ही मत देना, वरना आप सो नहीं पाओगे। मेरे युवान भाई बहन, ऐसी स्मेल को महसूस करने के लिए मेरी बात यदि आप माने तो, इतने आदर से सुन रहे हैं तो मैं एक प्रार्थना करूं, इतने लोगों का संग करना। आप राम कथा न सुनो तो मुझे कोई चिंता नहीं, मैंने दुनिया को बहुत सुनाया और सुनाता रहूंगा। आप न सुनो, आप पूजा पाठ न करो, सुनो तो अच्छी बात है, पूजा पाठ न करो, करो तो अच्छी बात है। आप ध्यान योगा न करो, करो तो अच्छी बात है। आप देव दर्शन करो न करो, करो तो अच्छी बात है, न करो। आप इतने लोगों का संग करो जिसमें इतनी चीजें हो, बिल्कुल प्रैक्टिकल, दो दो चार ऐसी बातें, इसमें कोई ज्यादा गणित गिनने की जरूरत नहीं, विलंब करने की भी जरूरत नहीं। एक ऐसे महापुरुष का संग करना जो वयोवृद्ध है। राम ने यह सब किया है वाल्मीकि के तौर पर। वाल्मीकि राम की वाणी में अभद्रता क्यों नहीं है? वाचो वदतु भद्रया, क्यों? उसने ऐसे महत्पुरुषों का संग किया। राम तो ब्रह्म है यद्यपि, फिर भी हमें शिक्षा देने के लिए, लोक मंगल के लिए उसने जो जीवन जिया, वयोवृद्ध का संग कर रहा। अपने घर में भाई हो, बहन हो, माता पिता हो, चाचा चाची हो, फ्रेंड्स हो, सब ठीक है, लेकिन सब समय मिले ना तो अपने दादा दादी के पास बैठना। वयोवृद्ध का मेरा अर्थ है गोपाल जी, एक अवस्था पर पहुंचा हुआ साधक जो पकने के लिए तैयार है, करीब 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 करीब, उसकी मुक्ति, उसका जीवन की कृतकृत्यता अब तैयार है। कोई शाखा को थोड़ी सी हिला दे और आम गिर जाएगा, ऐसा अवस्थावान वयोवृद्ध उसका संग करे। रामायण यही सिखाती। कोई भी मंदिर हो उसमें तीन वस्तु होनी चाहिए, एक तो व्यवस्था होनी चाहिए, दूसरी हमारे दिल में आस्था होनी चाहिए, और तीसरी हमारी भी कोई एक अवस्था होनी चाहिए, एक स्थिति। वयोवृद्ध का संग करना, उसके पास बैठना। दूसरा विवेक वृद्ध का संग करना, जिसमें विवेक हो, जिसका विवेक पक गया उसका संग करना। तीसरा तपोवृद्ध का संग करना है, जिसका तप पक गया है उसका संग करना, तपोवृद्ध। चौथा सर्जन वृद्ध, जिसने जगत को कुछ दिया है, काव्य के रूप में, लेख के रूप में, दर्शन के रूप में, चिंतन के रूप में, आगम निगम के रूप में, महाकाव्यों के रूप में, अपनी रचनाओं के द्वारा जो सर्जन वृद्ध है, जैसे व्यास वाल्मीकि, इस सर्जन वृद्ध, सर्जक वृद्ध है, जिसने बहुत दिया उसका संग करे। और आखिर भजन वृद्ध का संग करे।
जिसने बहुत भजन किया हो उसका संग करे। हमारे एक संत हुए राम दुलारी बापू, जो ओशो के समकालीन रहे, जबलपुर में साथ साथ कभी नहाया करते थे और ओशो के बहुत निकट के रहे दोनों महापुरुष। मैंने भी राम दुलारी बापू के दर्शन किए। वो ऐसा कहते हैं कि अब ध्यान करें और ध्यान में ईश्वर दिखाई दे। राम दुलारी बापू ध्यान में आपको जिसका आप ध्यान करते हैं वो यदि आपको प्रकट रूप में दिखाई दे तो इस परमात्मा के रूप को पकड़ लो, ध्यान को छोड़ दो। किसे कहते वही राम दुलारी बापू कहते थे कि ध्यान से भी आगे आप बढ़ गए और समाधि तक चले गए और समाधि में यदि ईश्वर का दर्शन हो तो ईश्वर को छोड़ देना, समाधि को पकड़ लो। पहुंचे हुए महापुरुषों के अनुभव के निर्णय है। लेकिन ऐसे बातें करता हूं तो कई लोग मुझे भी पूछते हैं कि आपको कुछ कहना है, हम तो पहुंचे हुए नहीं है, मार्गी है। तुलसीदास प्रभु पथ चढ़ो ज्यों लेहु निभाही। लेकिन मुझे कोई पूछे कि बापू भजन करते समय गुरु दिखाई दे तो क्या करना, भजन छोड़ देना, गुरु को पकड़ लेना। यदि भजन करते समय अपना बुद्ध पुरुष दिखाई दिया तो माला छूट जाए तो चिंता मत करना, बैरखा छूट जाए तो चिंता मत करना, यदि अपना बुद्ध पुरुष दिखाए। ये तो फल है। तो ऐसे भजन वृद्ध तपोवृद्ध, राम जी ने तपोवृद्ध विश्वामित्र का संग किया, ऐसा तपोवृद्ध महापुरुष विश्वामित्र। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन सुभ आश्रम। भगवान राम ने वशिष्ठ जैसे विवेक वृद्ध महापुरुष के चरण से भगवान राम ने वाल्मीकि जी के सर्जक के पास जाकर मैं कहां निवास करूं ऐसी जिज्ञासा की। भगवान राम ने वयोवृद्ध सुमंत का संग किया। इन हमें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, परमात्मा ने सब व्यवस्था हमारी अगल बगल में की है, लेकिन निकट वाला दिखता नहीं और दूर का पकड़ में आता नहीं। हम लटक चुके हैं, कंफ्यूज, निकट वाला दिखता नहीं, दूर वाला दिखता नहीं, निकट वाला समझ में आता नहीं। परम चिंतक परम विचारक ऐसे कुंभज ऋषि का भगवान राम ने संग किया। परमार्थ के मार्ग के निष्णात भरद्वाज जी का राम ने उसके साथ वार्तालाप किया। मेरे कहने का मतलब, वाचो वदतु भद्रया, अनसंत बोलने की इच्छा हो तो एक कोना रखो वहां बोलना, पूरे गर्म में, पूरे घर में ये वातावरण मत फैलाओ। लोग कमरे में नहीं रहते, किचन में जाकर चिल्लाने लगते हैं, तुमने ये किया, तुमने ये किया, दूसरे के कमरे में जाकर चिल्लाते तुमने ये किया। इस विकृतियों को पूरे घर में फैलाओ मत, क्योंकि सबके पास अपने अणु परमाणु है, अपनी गंध है, अपनी विशिष्टताएं हैं, कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव। तो
तो हैरन किलर को ये सब पता लगने लगता था, ये आदमी कहां से आया। हमें भी पता लगने लगता है कोई ऐसे महापुरुष के पास रहे, उसके पदचाप। अच्छा पूछा आज किसी ने कि बापू अपने जिसके जिसके प्रति हमारी शरणागति होती है उसके उसका प्रमाण क्या। उसका एकमात्र प्रमाण मेरी दृष्टि में उसकी आंख देखकर, तुम्हारी आंख भीग जाए तो समझना वो पहुंचा हुआ पति है। अरे छोड़ो आंख देखने के बाद एक घटना घट, उसकी आवाज सुनकर आंख डबडबा जाए तो समझना वो आराम करता हो। वो देखने में आंख भिगा है कि करने दो आराम करने दो। कितना जैसे बच्चा सो रहा है और माँ की आंख वात्सल्य से भर जाए कि मेरा लालन सो रहा है, उसका आराम हमें गदगदित कर दे। जिसका आनंद स्वरूप हमें भाव में डुबो दे, ये परिचय है। मैं महाभारत में कर्ण को देखता हूं और रामचरितमानस में माँ कैकेयी को देखता हूं, तो दोनों बहुत महान तत्व है। लेकिन ऐसे नेगेटिव लोगों का संग किया इनने। कर्ण का पतन तक कर्ण गया, वरना कर्ण यानी सूर्य का पुत्र। कर्ण इतनी हद तक जा ही नहीं सकता मेरी दृष्टि में जब महाभारत का दर्शन करता हूं, जिसका बाप सूर्य है। लेकिन दुर्योधन के संग ने उसका पतन कर दिया। आपको पता है द्रौपदी को कुरु सभा में इस तरह लाई जाए, ये विचार किसके थे? कर्ण के थे। इतनी हद तक वो नीचे गिरा है। सूर्य तो ढांकने का काम करे, उसका बेटा दूसरे को निर्वस्त्र करने का प्रस्ताव रखता है। ये दुशासन का प्रस्ताव नहीं है, ये दुर्योधन का प्रस्ताव भी नहीं था। ये सूर्य पुत्र कर्ण कितनी हद तक नीचे गया ये आदमी, कारण दुर्योधन का संग। इसलिए भक्ति सूत्र कहते हैं दुसंग सर्वथा त्याज्य है, सर्वथा त्याज्य। मैं कभी एक कुछ शब्द बोलता नहीं मेरे व्याख्यान में, और अंगत बैठा हूं तब भी कभी नहीं बोलता। ऐसे शब्द कर्ण ने द्रौपदी के लिए कितनी बार बोले, 4-5 बार बोला है, तू ऐ है, तू ये है, तू ये है। इतना कैसे गिरा ये आदमी, मेरी समझ में नहीं आता, लेकिन गिरा। एकमात्र दुर्योधन का प्रसंग। शास्त्र कहते हैं मेरे भाई बहन, इतनी एकाग्रता से सुन ले, सुन रहे हैं तो कुछ बातें समझ भी ले। शास्त्र कहता है आदमी का पतन चार बात से होता है, चार वस्तु से हमारा पतन होता है। एक, अपने अज्ञान से हमारा पतन होता है, अपनी मूढ़ता, अपना अज्ञान, अपनी बेवकूफी, अपना अंधेरा हमें भटका देता है। अपने अज्ञान से हमारा नाश होता है। दूसरा, प्रमाद से, अपनी त्रुटियों से अपना नाश होता है। आदमी प्रमादी रहे, कुछ करे ही, लेटा रहे, प्रमादी, आलसी हो जाए, अकर्मण्य हो जाए, वो नाश को निमंत्रित कर रहा है। ये सब शास्त्र वचन है। अपनी मूढ़ता से हमारा नाश होता है, अपनी त्रुटियों के कारण, अपनी कमजोरियों के कारण, यानी प्रमाद के कारण हमारा नाश होता है। तीसरा, हमारा नाश होता है, हमें कुछ उपलब्ध हुआ है उसके गर्व से,
किसी को पद मिला, किसी को प्रतिष्ठा मिली, किसी को प्रसिद्धि मिली, किसी को पैसे मिल गए। पैसा का सदुपयोग करना चाहिए, पैसों को इतना महत्व नहीं देना चाहिए। स्वामी शरणानंद जी महाराज बहुत अच्छी बात बताते थे कि वसु वसु मानी पैसा, वसु से वस्तु महान है। हमारी तिजोरी में 1 करोड़ रुपया हो लेकिन वो हम खा नहीं सकते, इसमें से चावल लाओ, दाल लाओ, पकाओ तो चावल दाल हम खा सकते। वसु से वस्तु महत्व की है और वस्तु से व्यक्ति महत्व का है। खिलौने बच्चे के लिए है, बच्चा खिलौने के लिए नहीं है। व्यक्ति के लिए वस्तु है, वस्तु के लिए व्यक्ति नहीं। वसु से वस्तु महत्व की, वस्तु से व्यक्ति महत्व का, व्यक्ति से व्यक्ति में रहा विवेक महत्व का। व्यक्ति तो हम सब हैं लेकिन रहा सत्संग के द्वारा पाया गया विवेक, ये महत्व का। स्वामी जी वहां तक बात करते हैं। मुझे कुछ जोड़ने की इच्छा होती है स्वामी जी का आशीर्वाद लेकर, तो विवेक बढ़ा। मुझे कहने दो, विवेक से वैराग बढ़ा, वैराग की महिमा, और भी कहने, वैराग से विश्राम बढ़ा। त्याग से ही शांति मिलती है, वैराग से ही विश्राम आता है। मेरे कहने का तात्पर्य, जीवन की मूलभूत बातें हम समझे, हमारा पतन क्यों हो रहा है, हम इतने निकृष्ट क्यों होते जा रहे हैं। कुसंग दुसंग, मां कई कई कितनी महान महिला। महाराज दशरथ जी जब अश्वपति के घर मेहमान हुए, वाल्मीकि जी क्या कहते हैं, अश्वपति के घर अतिथि हुए, महाराजा दशरथ जी धर्म धुरम धर गुण निधि ज्ञानी कुछ दिन ठहरे। महाराज दशरथ जी की 2 रानियां, बड़ी रानी तो कौशल्या, पुत्र नहीं है, सुमित्रा जी दूसरी रानी है, एक बेटी को जन्म दिया था जिसका नाम शांता है, एक लड़की है वो सुमित्रा की पुत्री है, पुत्र नहीं है। चिंतित तो थे, किसी कारण अश्वपति के घर कैकई देश जाते हैं और वहां कैकई युवान है और ये अश्वपति की बेटी कैकई, कैकई देश की कन्या, एक उमरी दशरथ जी की देखभाल करती है, उसके भोजन की व्यवस्था एकदम हृदय के भाव से। और इस युवान युवती के प्रति महाराज दशरथ जी का वो हुआ है और महाराज ने अश्वपति से मांग की, मुझे पुत्र नहीं है, ये कन्या मुझे दे दो, मेरा राज्य कौन संभालेगा। और उस समय ये स्वाभाविक था, ऐसी बातें इसमें कोई वो नहीं थी। और अश्वपति कहता है कि मैं मेरी बेटी आपको दूं, जरूर दूं, लेकिन एक शर्त कि कौशल्या से पुत्र नहीं हुआ, सुमित्रा से पुत्री हुई, पुत्र नहीं हुआ, लेकिन मेरी बेटी से ब्याह के बाद यदि मेरी बेटी से पुत्र प्राप्त हो तो अयोध्या की राजगादी मेरे बेटे को मिलनी चाहिए, ये शर्त लगाई। और महाराज को लगा कि इतनी उम्र तक कौशल्या जी ने पुत्र नहीं जना, न सुमित्रा ने बेटे को जन्म दे पुत्र नहीं, शायद इससे ही पुत्र हो तो उसको राज मिले, अब और रानियों से तो नहीं होगा, इसीलिए उसने हाँ कह दी। लेकिन कई कई ये सब भूल गई है, बहुत पवित्र आत्मा है कई कई, ये सब भूल गए। ये तो नहीं, खरे समय पर लोग फाइल नहीं खोलते, ये सब मंथरा ने फाइल खोली है, मंथरा ने दशा, एक कुसंग। अब वाल्मीकि को पढ़ो तो पता, क्योंकि हर कथा का
मूल केंद्र तो वाल्मीकि है। मूल वाल्मीकि है, फूल तुलसीदास जी है। ये पुष्प महकता पुष्प है, मूल दिखता नहीं, सबके बस की बात नहीं मूल तक जाना, वाल्मीकि के मूल तक जाना। फूल की खुशबू हम दुनिया में ले रहे हैं, तुलसी के रामचरितमानस की खुशबू, ये फूल है महकता हमारी नासिका को धन्य कर देता है। इसलिए मैंने कहा कि एकाध कोना तुलसीदास जी का रखिएगा, और आपने स्वीकार भी किया कि मैं तो पहले से कह रहा, सब जानते हैं नहीं क्या, कि राम मंदिर बने तो उसके मुख्य गर्भ द्वार के बाहर एक और वाल्मीकि जी की मूर्ति हो, एक बार एक और तुलसीदास जी की मूर्ति। मैं परसों दर्शन करने गए, वहाँ दो द्वारपाल अंकित है, शिल्प है दो द्वारपाल। मैंने कहा कि वहाँ इधर वाल्मीकि हो या तो साइड में से हो, लेकिन वाल्मीकि जी का तो बन रहा है, तुलसी भी प्रतीक्षा में है। तुलसी तुलसी है, तुलसी मगन भयो। तुलसी मगन भयो राम गुण गायो, तुलसी मगन भयो राम गुण गाय, राम गुण गाय के अभिराम गुण गाय के, मगन भयो राम गुण गाय के, कोई चले हाथी घोड़ा पालखी मंगाए के, तुलसी चले नंगे पैर चीतियां बचाई के। ये तुलसी चले नंगे पैर कोई खावे शिरापुरी और हलवा मंगाए के, कोई खावे शिरापुरी हलवा मंगाए के, तुलसी खावे रूखा सूखा भोग राम को लगाए के, तुलसी खावे रूखा सूखा भोग राम को लगाए। तुलसी तुलसी है, गोस्वामी गोस्वामी थे, अनंत उपकार है उसके, कर्जे से ये जगत मुक्त नहीं होगा, गजब है। घट घट घर घर दुनिया में कोने कोने में उसने राम को पहुंचाया है। तो हम निवेदन कर रहे हैं मेरे भाई बहन कि कई कई अम्बा कुसंग के कारण इतनी हद तक चली गई। वाल्मीकि के आधार पर भी रामो भवतु तापसः, ये किसने बुलवाया वाल्मीकि में, रामो भवतु तापस। और तुलसीदास जी सीधा ले आते हैं, तापस बेश विशेष उदासी 14 बरिस राम बनवा। कैकेयी ने तो ये कहा मंथरा को कि भरत को राज देने की तू बात करती है तो चलो दे दे, लेकिन मेरे राम को वनवास क्यों क्यों। और अब ये कैसे सब घटना घटे, एक रात बाकी है, कैसे एक रात में, आखिर रात में बाजी पलटती है ना? दुनिया में भी देखो जहां जहां चुनाव होता है आखिरी रात में बाजी पलट जाती है, आखिरी रात महत्व की होती है, उसमें पूरा पासा बदल जाता है। और अयोध्या में भी
ऐसी ही घटना एक रात में दूसरी बदल गई बात। बोले वो जब उसको कहने लगी आपको क्या पता राम राजा हो जाएगा तो तुम्हारी भरत की क्या दशा होगी, फला क्या होगा, कई कई का कौशल्या का अहंकार आसमान को छू लेगा, आप बंदी हो जाएगी, भरत को कोई पूछेगा तक नहीं। तो बोले एक हो कैसे, कई कई कहती कैसे हो, दुई बरदान भूप सन था। कई कई को याद भी नहीं, फाइल वो खोल रही है, ऐसे लोग सब रिपोर्ट रखते हैं और मौका आते खोलते हैं। तुम्हारे दो दो वरदान राजा के पास, कितनी महान महिला है हमारी माँ कैकेयी, जो चिकित्सक भी है, राजा को जब देवासुर संग्राम में जब बाण लगते थे तो उसकी दवाइयां कैकेयी करती थी, रथ स्वयं सारथी बनकर कैकेयी चलाती थी खरे समय पर, और किस दिशा में शस्त्र प्रहार करना वो निर्देश कैकेयी माँ करती थी। इतना ही नहीं, रथ का पहिया निकलने की तैयारी हो तब रमणांग समरांगण में रहे रथ की सुरक्षा भी तो कैकेयी करती थी, ये सलाहकार भी थी, संरक्षक थी, ये चिकित्सक थी, कैकेयी क्या नहीं थी। उसके मन में तो विचार भी नहीं कि दो वरदान मेरे बाकी है, लेकिन उसने खोली फाइल, तुम्हारे दो वरदान बाकी, आज मांग लो और सीने को शांत करो, ऐसा कहकर के कहकर। और फिर कहते हैं कह से कोप गृह जाओ, इसका मतलब है कोप गृह की बात है, वहां जाकर मलिन वस्त्र ये कपड़े ये करके आप बैठ जाओ वगैरह वगैरह। मेरा मूल बात यह है मेरे भाई बहन, मेरे युवान भाई बहन, वयोवृद्ध का संग करो, तपोवृद्ध का संग करो, विवेक वृद्ध का संग करो, आयुष्य बढ़ेगी। घर में जहां तहां कुछ न कुछ बोलते रहोगे तो वास्तु शास्त्र के देवता श्राप देंगे, इसलिए कोना निश्चित करो कि जहां बमन करना है वहां बमन करो। वास्तु शास्त्र में जो मानते हैं वो सब जानते हैं, वास्तु शास्त्र के देवता होते हैं, वो घर में जो कुसंग की बात होती है तब तथास्तु कहते हैं, जा तथास्तु, इसलिए बचे, इसलिए सावधान रहे। तपो वृद्ध का संग करे, सर्जन वृद्ध का संग करे, इसलिए वाचो वदतु भद्रया, भगवान राम की वाणी में अभद्रता नहीं। तो बाल चरित अति सरल सुहाए, बालकांड ये राम जी का बाल मंदिर है, ये बाल मंदिर सारद शेष शंभु श्रुति, बाल चरित हरि बहुविधि किन्ना, बहुत प्रकार मेरे ठाकुर जी ने बाल लीला की और दासों को पुरजनों को सबको बहुत सुख दिया। जिन कर मन हिंसन नहीं रहता ते जग वंचित ये विधाता गोस्वामी, जिसको इस बाल चरित्र में मन नहीं लगा उसको तो ठग लिया विधाता ने, उसको वंचना कर दी उस वो विधाता ने उसको, उसको दुर्भाग्य बन, जिसको बाल चरित्र में रस, बंदौ बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नाम। तो मैं तो ये प्रवाह में चला गया कि ध्यान रख के कैकेयी माँ जैसी एक पवित्र महिला उसको पूरा का पूरा बदल देता है कुसंग, कौ न कुसंगति पाई न साई, रही न नीच मते चतुराए, कुसंग से किसका पतन नहीं हुआ। पूजा पाठ करो न करो तो चिंता नहीं, कथा सुनो न सुनो तो कोई चिंता नहीं, ध्यान करो न करो तो कोई चिंता नहीं, लेकिन कुसंग न करे। ये धनी लोग कहीं हो परमात्मा की कृपा से, कई लोग मेरे पास जाते हैं, हमारा बेटा हमारी बेटी विदेश में ही पढ़ना चाहते, मैंने कहा कि जाए, मुझे कोई मैं प्रार्थना करूं, लेकिन कंपनी का ध्यान रखे, कुसंग का ध्यान रखे। और आप सब साक्षी हैं कि जाते हैं बदल कर आते हैं,
जो पहले मानस का पाठ करता था वो पाठ छोड़ देता, क्योंकि रहे न नीच मते चतुराई। इस पीढ़ी को यदि बचाना है तो वही वृद्धों का संग कराओ, तपो वृद्ध का संग कराओ, इसके समीप बैठे, वरना बड़ा बड़ों का पतन निश्चित हो जाता है। बेटा बाप का नहीं मानता, बेटी माँ की नहीं मानती, सब अपने अपने तान में झूम रहे हैं। एकमात्र प्रयास है भगवत कथा, जिसके कारण कुछ हो सकता है, ये बचा है। इसके कारण, सत्संग के कारण, महत्पुरुषों के कारण। तो परमात्मा का बाल चरित्र सरल भी है और सुंदर भी है, इसलिए शारद शेष शंभु श्रुति गाए, ये सब उसको। और ऐसे परमात्मा के बाल रूप में, उसकी बाल लीला में, उसके बाल चरित्र में जिसका मन रत नहीं हुआ, विधाता ने उसको ठग लिया है। ते जन वंचित ये विधाता, तुलसी की पंक्ति कहती है। तो मेरे श्रोता भाई बहन, बालकांड ये राम का बाल मंदिर है, एक अयोध्या कांड ये भगवान राम का विहार मंदिर है, ये दूसरा मंदिर है, सात मंदिर है। और हमारी सभ्यता में मंदिर सात ही है, वैदिक और सनातन परंपरा में सात ही मंदिर, सीताराम का मंदिर एक, राधे कृष्ण का मंदिर दो, शिव जी का मंदिर तीन, दुर्गा का मंदिर चार, गणेश का मंदिर पांच, हनुमान जी का मंदिर छह, और लक्ष्मी नारायण आदि लक्ष्मी नारायण सात। सात ही मंदिर हमारी सनातन प्रतिष्ठाओं में, सात मंदिर, सात मंदिर। रामचरितमानस में 11 मंदिर का निर्णय बताया, 11 प्रकार के मंदिर, और ये सब राम मंदिर है जिसके आधार पर मैं कथा गा रहा हूं, मानस राम। 11 मंदिर की बात की, 11 प्रकार के मंदिर, ये सब राम मंदिर है। और उसका सार है सप्त मंदिर, राम मंदिर, कृष्ण मंदिर, लक्ष्मीनारायण मंदिर, इसलिए लक्ष्मी विष्णु भगवान का मंदिर, भगवान महादेव का मंदिर, माँ दुर्गा का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर और गणेश जी, इसके बाहर क्या है। इस सनातन धर्म और वैदिक परंपरा की छत्र छाया में ये बातें हैं। तो रामचरितमानस स्वयं, आपने पूछा कि मानस राम मंदिर है, आपको डाउट है, इसका बालकांड बाल मंदिर है, अयोध्या कांड मेरे ठाकुर जी का विहार मंदिर है, राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचारु तुलसी सुभग स्नेह वन सिय रघुवीर बिहारो। ये सीताराम का विहार मंदिर अयोध्या कांड, ये तो शास्त्र के आधार पर मैं बोल रहा हूं, मुझे तो मानस को पूछना पड़ता। अरण्य कांड है प्रेम मंदिर, राम का प्रेम मंदिर है, मानस का तीसरा सोपान अरण्य कांड, ये प्रेम मंदिर है। आप कहेंगे कि प्रेम मंदिर कैसे, इसमें तो सीताराम का वियोग हुआ है, प्रेम मंदिर, वियोग भी प्रेम का एक स्वभाव है, प्रेम की धारा संयोग और वियोग के दो किनारे के बीच में ही तो बहती है, ये दोनों किनारे हैं, ये प्रेम मंदिर है। प्रेम में क्या है कि जो जिसको, यदि दो व्यक्ति एक दूसरे से प्रेम करेंगे ना, तो वो जो कहेगा वो मानेगा, ये कहेगा वो मानेगा, ये प्रेम का एक सीधा साधा लक्षण है। दावा नहीं करेगा कि नहीं नहीं ये बात नहीं, ये नहीं, हम कह नहीं, जो कहेंगे। देखो प्रेम मंदिर इसीलिए अरण्य कांड को मेरी व्यासपीठ कहती है, इसीलिए कि भगवान राम ने सीता को कहा, जानकी को कहा, तुम पावक महू कर गुण निवास, जग लगी करो निसाचर। जानकी जी को भगवान ने अरण्य कांड में कहा कि तुम अग्नि में समा जाओ, क्योंकि अब जब तक, तब तक आप अग्नि में रहो, जब तक मैं
असुरों का निर्वाण न कर दो। सीता दलील नहीं कर सकती कि क्यों मैं अग्नि में क्यों समा, मुझे मेरे मायके छोड़ दो अथवा तो अयोध्या छोड़ दो अथवा तो किसी महात्मा के आश्रम में मुझे रख दो, आप करो लीला। कह सकती थी मेरी मां जानकी, लेकिन प्रेम कबूल कर लेता है। कोई कहे कि तू अग्नि में समा जा और प्रेम कबूल करता है, सहर्ष परमात्मा के चरणों को हृदय में लेकर सी अनल समानी, प्रसन्नता से वो अग्नि में समाई तो क्योंकि प्रेम है। और राम ने कहा तो सीता ने कबूल कर लिया, और सीता ने कहा वो राम ने कबूल कर लिया। ये मृग है, उसकी चमड़ी बहुत सुंदर है, आप जाकर ले आओ, तो राम तुरंत दौड़ पड़े। ये प्रेम का लक्षण है, वरना राम नहीं कहते कि मैं, आप मुझे कहते मृग को मारने के लिए, चमड़ी लेने के लिए मुझे दौड़वाते, उसी समय मेरे राम दौड़े। इसलिए मैं अरण्य कांड को प्रेम मंदिर कहता हूँ। जिसमें राजी है हम उसी में, जिसमें तेरी रजा है हम राजी है। तू जो कहे, जो तुधु भावे, गुरु नानक देव कहते हैं जो तुधु भावे साई भली कार, जो तुझे अच्छा लगे वो मेरे लिए अच्छा ही होगा। तो बाप बालकांड बाल मंदिर, अयोध्या कांड मेरे ठाकुर जी का विहार मंदिर, अरण्य कांड प्रेम मंदिर, और किष्किंधा कांड ऋतु मंदिर। ऋतु मंदिर है इसमें वर्षा और शरद ऋतु, वर्षा आए शरद ऋतु, उसका जो वर्णन है उसको मेरी व्यासपीठ ऋतु मंदिर कहती है, जिसमें ऋतु और ऋत दोनों का वर्णन गोस्वामी जी ने किया है। ऋतु मंदिर अथवा तो गुफा, अरण्य कांड में किष्किंधा कांड में जो गुफाएं हैं वो सब मंदिर है। स्वयं प्रभा एक गुफा में, वाली सुग्रीव को जो युद्ध हुआ वो भी एक गुफा है। ये सब गुफाएं किष्किंधा कांड में, संपाति कहीं रहता है वो भी एक गुफा है। पंडित राम किंकर जी भगवान ने तो इन चारों गुफाओं के मन बुद्धि चित्त और अहंकार की संज्ञा देकर एक विशिष्ट अर्थ निष्पन्न किए थे। एक मन की गुफा है, एक बुद्धि की गुफा है, एक चित्त की गुफा है, और एक अहंकार की गुफा है, आदि आदि। ये पंडित जी के विचार, जिसके हो उसका मैं नाम बोल दूं ताकि निर्भर हो जाऊं। बड़ी प्यारी व्याख्या की। तो किष्किंधा कांड है ऋतु मंदिर, ऋतु का मंदिर, गुफाओं का मंदिर, ये किष्किंधा कांड है। और मुझे कहने दो, सुंदर कांड वृक्ष मंदिर है मालकोश। सुंदरकांड ये वृक्ष मंदिर है, वैसे तो महाराष्ट्र में प्रकट हुए लेकिन गुजरात में बहुत काम किया। स्वाध्याय के प्रणेता पांडुरंग दादा, आपने वृक्ष को मंदिर के दर्जा दिया। वृक्ष मंदिर, वृक्ष मंदिर, वृक्ष मंदिर, वृक्ष मंदिर,
ये भार्गव वृक्ष मंदिर, ये कुंभज वृक्ष मंदिर, ये विश्वामित्र मंदिर, वृक्ष एक मंदिर है। सीता जी को वनवास नहीं था, लेकिन पतिव्रता नारी पति के कदमों पर वन में गई है, और वैसे वो भवन में भी रह सकती है, नगर में भी रह सकती है, लेकिन तुलसी ने कहा नहीं, जानकी को सपने में भी ऐसा ना हो कि मेरा पति वन में और मैं लंका में, मुझे परवश कर दे। इसीलिए तुलसीदास जी कहते वन अशोक सीता रहे, अशोक वन, ताकि वनवास वाला पक्ष भी बना रहे कि नगर में नहीं रही, वन में रही, ताकि पातिव्रत्य संस्कार को कहीं ठेस न लग जाए। तो सुंदर कांड ये वृक्ष मंदिर है, और मुझे कहने दो लंका कांड ये मोक्ष मंदिर है। इसलिए लोग स्मशान को नाम नहीं देते, मोक्ष मंदिर, मोक्ष धाम, हमारे गुजरात में तो ऐसा मोक्ष मंदिर, मोक्ष धाम, यद्यपि जाना कोई नहीं चाहता, लेकिन नाम तो बड़े अच्छे लिए है कि मोक्ष धाम है, मोक्ष मंदिर है, कौन जाए, तो चार लोग उठाकर ले जाए तब जाते हैं, जबरदस्ती जाना पड़ता है, कौन जाए। लंका कांड मेरे राम का मोक्ष मंदिर है, जहां सदाव्रत के रूप में मुक्ति बांटी गई, सामूहिक मुक्ति, जितने राक्षस मरे रामाकार भय तिनके मन, सब निर्वाण, सब निर्वाण, सब निर्वाण, कितना बड़ा मुक्ति का भंडारा लंका कांड में हुआ है, सबको मुक्ति, सबको मुक्ति। मेरा राम किसी को मारता नहीं, किसी को नाश नहीं करता, निर्वाण देता है, क्यों, नव निर्माण के लिए। वो है मोक्ष मंदिर, और उत्तर कांड है विश्राम मंदिर, पायो परम विश्राम। तो रामचरित मानस स्वयं राम मंदिर, सातों सोपान मंदिर की संज्ञा लेकर बैठे हैं, ऐसे 11 मंदिर की चर्चा रामचरित मानस में है, 11 मंदिर की। मैं, मुझे स्मरण है मानस मंदिर शब्द लेकर 3-4 कथाएं हुई है। एक बार तो वॉशिंगटन में चंद्रकांत भाई की अध्यक्षता में एक मंदिर का निर्माण हुआ था, तब शायद मैंने मानस मंदिर पर वॉशिंगटन DC में शायद एक कथा हुई है। एक कथा पोरबंदर में सांदीपनी आश्रम में, बाईश्री के आश्रम में मानस हरि मंदिर हुआ, एक कथा वहाँ। एक कथा राजूला में मानस मंदिर, क्योंकि आरोग्य मंदिर और अपने राजेंद्र बाबा का भगवान वृंदावन मंदिर, उसके जो कोरोना में फिर बंद रखी पड़ी, फिर शुरू की, वो भी मंदिर का ही सब्जेक्ट था, लेकिन यहाँ तो राम मंदिर। तो भगवान राम, मुझे ये भी पूछा गया कि राम मंदिर की विशिष्टता क्या है, यहाँ राम मंदिर तो गांव गांव है, लेकिन यहाँ के राम मंदिर की इतनी विशिष्टता, कुछ तो है, कुछ तो है, कुछ तो है। रोज 1-1.5 लाख लोग खींचे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं। कई लोगों ने 22 तारीख की आलोचना करते हुए कहा कि 22 तारीख के मंदिर के उद्घाटन में तो सब VVIP विशिष्ट लोग ही थे, माना, क्योंकि उस समय प्रतिबंध था, सब आए तो समझ, जितने लोगों को इसमें कुछ VIP थे, कुछ ये थे, उसके लिए सामान्य लोग तो नहीं, ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं, लेकिन मैं निमंत्रित करूँ, अब आकर देखो कितने VIP जा रहे और कितने सामान्य लोग जा रहे। जैसे सरिताएं उमड़ उमड़ कर सागर में जाती हैं, वैसे पूरी दुनिया की श्रद्धा रूपी सरिता आज हमारे राम मंदिर की ओर सागर सम्मिलित होने के लिए जा रही है। अखबार में पढ़ते थे कि रोज इतने लोग जा रहे हैं, लोग इतने, अब 2 दिन से तो हम देख रहे हैं। हमारे गुजराती के एक दर्शक दादा मनुभाई पंचोली, एक बड़े साक्षर रहे, उसने तो कहा मंदिर का अर्थ यह है कि जो अपने अपने मंदिर को खींचे, अपने को खींचे, अपने उसकी और हमें गति कराए, वो मंदिर है। मंदिर का मेरा अर्थ है, मंग का अर्थ है मंत्र, म पर रस्व अनुस्वार, मम,
उसका अर्थ है मंत्र, फिर दी का अर्थ है दीक्षा, और र का अर्थ है रहना। जिस स्थान में मंत्र दीक्षित लोग साथ में मिलकर रहते हो उसी का नाम मंदिर। मम माने मंत्र, दी माने दीक्षा, मंत्र से दीक्षित, और र माने रहना। मंत्र दीक्षित लोगों का समूह जहां निवास करता है उसी को मंदिर कहते हैं। रामायण में तो मंदिर का बहुत उल्लेख है, बहुत उल्लेख है। एक है मानस में मन मंदिर, तीन बार उपयोग गोस्वामी जी ने किया मन मंदिर का। हमारा मन मंदिर ये राम का मंदिर है। मन जागी राचे मिलगी सोबर सहज सुंदर सारो करुणा मुदित मन मंदिर चली का अर्थ ये भी कर सकते हैं कि प्रसन्न मन से वो मंदिर गई, अपने घर गई। लेकिन मन मंदिर का विषय बाहर जाए तो अपने घर गई, भवानी के मंदिर से निकलकर अपने निज मंदिर में जाए, अपने घर भवन में, तो मुदित प्रसन्नता से भवानी के मंदिर से वो अपने भवन की मंदिर की ओर गई। लेकिन मन मंदिर का ये भी अर्थ है क्योंकि सीता जी का मन राम का मंदिर है। लोचन मग राम ही उरा आनी, नेत्रों के रास्ते से राम को हृदय में रखकर पुष्प वाटिका में जानकी जी ने अपने कपाट बंद कर दिए कि मेरे मन में बसे राम कहीं जाए ना। तो सीता जी भवानी के मंदिर से जब घर तर गई तो मन मंदिर चली, भीतर चली गई, राम का संयोग न छूटे इसलिए मन मंदिर। तो मन मंदिर जा ही न चाहिए कब कर तुम संसाज सने। जिसको कुछ नहीं चाहिए, जो तुम्हारे पास कुछ न मांगे, मन मंदिर तिनके ही बसे हूं, आप उसके मन मंदिर में निवास करो। तो एक मंदिर है राम, 11 मंदिर है मानस में, एक मंदिर है मन मंदिर। वैसे तो हमारे जीवन में सीधी साधी बात करें तो मैं कहता रहूं ये देह भी मंदिर है, ये देह मंदिर। स्वामी रामतीर्थ कहते थे ये देह मेरा देवालय है, बादशाह राम कहते ये मेरा देह मंदिर है। हमारे पास ये देह मंदिर है, दूसरा उसके अंदर जो दिल है वो भी एक मंदिर है, दिल ये एक मंदिर है, प्यार से जिसमें होती है पूजा, ये प्रेम का सागर है, दिल ये एक मंदिर है, ऐसा लोग गाते हैं, हम भी गाते हैं। मन मंदिर तो देह भी मंदिर है, ये शरीर को बहुत संभाले, देह मंदिर है, मंदिर है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठ, इसमें परमात्मा स्वयं प्रतिष्ठित हुआ है, हृदय में विराजमान है। ये देह मंदिर है, दिल भी मंदिर है, मंदिर है। दूसरा अपने अपने इष्ट देव का देव मंदिर है, किसी के राम का मंदिर, किसी का कृष्ण का, देव का मंदिर, ये तीसरा। और चौथा, हम संकीर्ण नहीं होना चाहिए लेकिन इसी से तो विकास की ओर जाना पड़ेगा, हमारा देश भी एक मंदिर है। दिल मंदिर, देह मंदिर, देव मंदिर, और भारत स्वयं एक मंदिर है, जहां डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है।
सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा राष्ट्रदेवो भव राष्ट्रदेवो भव राष्ट्रदेवो भव जय सियाराम। तो रामचरित अब मैं बोलूं तो जय सियाराम। कुछ कहने जा रहा था लेकिन आपने तो देह भी मंदिर है, हमारा अंदर का दिल भी मंदिर है, देव का भी मंदिर है और मेरा देश भी मंदिर है। लेकिन हम केवल सीमित नहीं रहे, वसुधैव कुटुंबकम्, वसुधैव कुटुंबकम्, हम तो असीम लोग हैं, सीमा के बाहर हैं। अवध अवधि का संदेश देता है। अवध किसका संदेश देता है? अवधि सीमा, उसके आगे कुछ नहीं। अवधि सीमा, सुख अवधि, लाभ अवधि, सुख अवधि, न दूजी सीमा, एक आखिरी बस। अवधि हमारे एक फोन आया कि बच्ची का जन्म हुआ है, बापू नाम रख दो, तो हमने सामने उसका अवधि रख दे।
अवध में बैठा हूं तो अवधि रख दे, अवधि नाम रख दे, एक लिमिट, एक सीमा, इससे आगे कुछ नहीं, अवधि। तो देश स्वयं मंदिर है, तो एक तो मन मंदिर संक्षेप में, दूसरा राम मंदिर है गुण मंदिर। भगवान राम के गुणों का कितना वर्णन वाल्मीकि जी ने किया है, अद्भुत अद्भुत है। राम स्वयं गुण मंदिर है, एक गुणों का मंदिर है, गुणों का निवास स्थान भगवान राम है, एक गुण मंदिर है। राम सुख मंदिर है, सुख का मंदिर है राम। मुझे कहने दो, अनुचित कहु बहुत अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो राम। मेरा राम क्षमा का मंदिर है, ये गुण मंदिर है, ये सुख मंदिर है, ये मन मंदिर है, और ये क्षमा का मंदिर है, और भगवान राम है हर मंदिर। एक बार हर मंदिर जपत रहे वो हरि नाम, ये हर मंदिर, ये राम शिव मंदिर है साक्षात। और राम हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, लंका में विभीषण का हरि मंदिर, राम हरि मंदिर है, राम निज मंदिर है, निज मंदिर है, अपना मंदिर राम मंदिर, निज मंदिर है, याद रखना। इसका मतलब मैं ये नहीं कहूँ दूसरे पर मंदिर है, लेकिन राम तो निज मंदिर है, निज मंदिर है, निज मंदिर है, निज मंदिर है। निज मंदिर शब्द आया, निज मंदिर राम नृप मंदिर है। राम राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेण विहिता निशाचरचम रामाय तत्। ये नृप मंदिर है, राजा नुक, राजा का मंदिर है, और हमारा राजा राम के सिवा कौन हो सकता है? राजा एक और वो राम, जिसका नाम भी मधुर, जिसका रूप भी मधुर, जिसकी लीला भी मधुर, और जिसका धाम भी मधुर। अयोध्या मधुर है, राम की लीला मधुर है, मेरे ठाकुर जी का नाम मधुर है, और रूप मधुर है। मधुर मधुर है नाम सीता राम सीता। दो मिनट भाव से गाइएगा, सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। हरि बोल सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम। सीताराम 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 सीताराम।
शतकोटि प्रविस्तरम एकैक अक्षरम पुंसा महापातक नाम। निज मंदिर है राम का सनातन धर्म और वैदिक परंपरा में ये जो सात मंदिर है ये सब अपने मंदिर है, निज मंदिर है। इसमें राम तो राम है, राम मंदिर पछी तो पूरु थी गुजरात पी कहीं सूर्य उदय में उदय तो होता है तो नक्षत्र मलान हो जाते हैं। ये राम मंदिर प्रकटन तो कई नक्षत्र मलान हो गए हैं, इतना प्रभाव है। और ये मैं उजाला एक महीने के बाद फिर आया हूँ, 22 को था, 23 को बाबा के वहां गया, फिर निकल गया और फिर 23 को यहाँ आ गया। राम भगवान का प्रागट हुआ तब एक महीने तक सूरज रहा और मैं एक महीने से देख रहा हूं अयोध्या में, एक महीने से सूरज ही सूरज है। कोई मर्म उस समय भी नहीं जान पाया और आज भी हम नहीं जान पाएंगे। और एक महीना क्या, यहां तो चारों युग प्रताप तुरा मैंने कह दिया, ये तो कायम का उजाला है। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मुझे किसी ने कल किसने कहा ना, मैं आ रहा था तब किसी ने कहा कि ये राम मंदिर को ग्रीनिज बुक, इसके लिए ग्रीनिज बिनिज फाड़ दो, इसके आगे कोई रिकॉर्ड की जरूरत नहीं साहब। हाँ, यहाँ की धजा फहर रही है, इसकी ग्रीनिज बुक क्या, इसके लिए रिकॉर्ड क्या, क्या रिकॉर्ड, गजब का मंदिर बना। और आप तो सुन रहे हैं लेकिन मैं फील कर रहा हूं यहां की कथा ये सुन रहा। और साहब मुझे कहने दो, खड़ा खड़े खड़े सुन रहा है, मुझे डर है कि मुझे खड़ा न कर दे साहब। तो नाम मधुर, रूप मधुर, जिसकी लीला मधुर और जिसका धाम मधुर, मम धामदा पुरी सुख राशि अयोध्या। कल हमारे पूज्यपाद गोविंद गिरी जी ने ठीक अपना विचार रजू किया, फिर तो उसने कह दिया कि नहीं आध्यात्मिक राजधानी तो ये है ही, लेकिन उसने ऐसे ही स्पर्श किया कि कहीं अयोध्या को राजधानी पाटनगर न बना। हमारा योगी जी बाबा, हाँ योगी जी बाबा फाटल बाबो छे गुजराती में, कोई फाटल बे कांटा, कोई अभय ऐसा मैंने कोई अभय नहीं देखा कहीं, अभय था बहुत है बहुत। योगी जी बाबा को मैं प्रणाम करता हूँ, अरे बिल्कुल सहज सरल, जब भी हमारा मिलना होता है, बापू कैसा है, सब ठीक चल रहा है, सुविधा सब ठीक है, कोई कमी तो नहीं, ऐसा ही पूछते, गजब है, आनंद आता है। और मुझे ये दृश्य भी मनभावन लगता है कि जब काशी में रात को 12 बजे के बाद यशस्वी प्रधानमंत्री और बहुत बहुत तेजस्वी योगी जी भगवान, ये दोनों जब रात्रि की चर्या के निकलते हैं, राजा की महिमा देखो तो मुझे अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। भोज राजा है ना, एक बार उसको हुआ कि मैं घूम तो रहा हूँ, रात्रि को मैं नगर में घूमूं, मेरी प्रजा क्या करती है। भोजराज बड़ा साहित्यकार, बड़ा सर्जक ऐसा है, गजब का सा है। मैंने कहा ना कि रूप भी बहुत था, शौर्य भी बहुत था और सर्जन भी गजब का था, सर्जन भी बहुत। तो एक बार उसको सोचा कि मैं मर जाऊं उसके बाद लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो मुझे ये देखना। तो मंत्री से उसने निर्णय किया कि मैं मुझे कहीं छिपा दो और जाहिर कर दो भोज राजे दिवंगत मर गया। आदमी मर जाए फिर पता लगे ना कि पीछे से लोग क्या क्या करते हैं, वो तो आदमी देखे तो पता लगे ना, तो छिप गया और जाहिरात कर दी कि भोज मर गए। हमारे संस्कृत शिवशंकर दादा हमको थोड़ा पढ़ाते थे जब 8वीं श्रेणी में, तब ये बताते थे, जाहिरात हो गई भोज मर गया, भोज मर गया, धारा नगरी का सम्राट। हाँ,
मर गया मर गया मर गया। और कालिदास को पता लगा, किसने कहा कालिदास जी बहुत मर गया है। और कालिदास ने कहा धारा नगरी निराधार हो गई, सरस्वती निरालंब हो गई, निरालंबा सरस्वती, पंडिता खंडिता सर्वे, पंडित सब खंडित हो गए, भोज राते दिवम गते। कालिदास ने तुरंत श्लोक लाके भोजराज मरा तो सरस्वती निरालंब हो गई, अब किसका आश्रय करेंगे, और धारा नगरी निराधार हो गई। ये श्लोक भोज राजा को सुनाया कि तुम मर गए, ऐसा सुनकर कालिदास ने श्लोक लिखा। तुरंत भोज राजा बाहर आए कि बस मुझे संतोष हुआ कि मेरे बारे में आप ऐसा सोचते, अब मेरे बारे में क्या कहना है कि अब भोज नगरी ये धारा नगरी अब साधार हो गई, और सरस्वती अब निराधार नहीं, निरालंब नहीं रही, एकदम सदा आलंबित हो गई, और पंडिता मंडिता सर्वे, अब सब पंडित मंडित हो गए, क्योंकि भोज राजे भुवम गते, फिर से आ गया राज, ऐसा हमको सिखा रहे थे एक समय था तब। ये सर्जक भोज, मेरे कहने का मतलब बाप ये है कि प्रभु का मंदिर जो निज मंदिर राज मंदिर, मानस में जनक मंदिर, जनक का अर्थ होता है पिता, पिता का घर मंदिर है, जनक मंदिर का अर्थ भी पिता का मंदिर मान, और पिता कौन है हमारा, माता राम मत पिता रामचंद्र, हमारा पिता तो राम है, स्वामी मत रामो मत सखा रामचंद्र, तो हम योगी जी बाबा की बात कर रहे थे, और ये हमारे गोविंद गिरी जी ने अपना मधुर भाव व्यक्त किया कि लेकिन अयोध्या जिस रूप में है उसी रूप में रहे, बस वही 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 आनंद की बात है, अद्भुत है, या क्या कमी है साहब आज अयोध्या, दुनिया भर की राजनीति को यहाँ आना पड़ रहा है, और करना क्या है साहब को भाई, किसी से भाव से अभाव से किसी कारण सबको आना पड़ रहा है, ऐसा ही मंदिर तो राम मंदिर, जनक मंदिर भी है, निज मंदिर भी है, गुण मंदिर भी है, क्षमा मंदिर भी है, क्या नहीं है राम मंदिर, ऐसा राम मंदिर की व्याख्या यदि करनी हो तो देहातों में राम मंदिर हो या अयोध्या का हो, राम मंदिर का अर्थ है सबका सत्कार का मंदिर, जहाँ सबका सत्कार हो, राम मंदिर का अर्थ है सर्व का सारभूत मंदिर, सार सार, राम मंदिर का मतलब है सबका स्वीकार का मंदिर, राम मंदिर का मेरी दृष्टि में मतलब है सत्य का सार मंदिर, राम मंदिर का मेरी दृष्टि से अर्थ है सबसे पार मंदिर, इसकी तुलना में कोई नहीं, लंबाई चौड़ाई की बात नहीं है, उसकी महिमा उसकी दिव्यता वो सबसे पार है, ऐसा मंदिर, और राम मंदिर मेरी दृष्टि में सबके लिए खुला द्वार मंदिर है, कोई भी आए कोई भी आए, ऐसी अवध में मानस राम मंदिर लेकर हम गायन कर रहे हैं, तो मंदिर के कई कई अर्थ है, कई प्रकार के अर्थ लगाए गए हैं, तुलसी के समग्र साहित्य में तो 40-50 बार मंदिर शब्द आया है, यदि फिर विनय पत्रिका ले दोहावली ले फला ले फला ले, तो कितनी बार मंदिर शब्द का गोस्वामी जी ने स्मरण किया है, तो ये है मानस राम मंदिर। फिर एक बार बाल राम जी की इन मंगलमय पंक्तियों का हम गायन कर ले, फिर कथा का थोड़ा क्रम आगे बढ़ाओ। बंदव बाल दोनों पंक्तियां तो स्वर्ण अक्षर से लिख देनी चाहिए,
बैकग्राउंड सेवा करने वाले कहीं टूट पड़ेंगे। बंदबाले शूर्पणखा बोली और राम रक्षा स्तोत्र में विश्वामित्र जी बोले बिल्कुल समान मंत्र की आवृत्ति दो ग्रंथों में ऐसे राम लल्ला विराजमान है। हमारे श्रोता तो यही है खड़े खड़े सुन रहे हैं। घना लोग नहीं घना लोग हमारे गुजरात में तो ऐसा होता था कि पूरी कथा खड़े खड़े सुन रहे मान मान मार बैठ पीछे घरे थे नहीं उभोज रहे आदत हो जाए तो घर में भी बैठे ना ऐसी हो जाती थी। आज मेरा श्रोता खड़े खड़े कथा सुन रहा है मेरी लॉरी सुन रहा है मेरी चौपाइया सुन रहा है और विश्वामित्र जी क्या कहते हैं श्री राम राम रघुनंदन राम राम रघुनंदन नंदन का एक अर्थ होता आनंद देने वाला
पूरे रघुकुल को आनंद, पूरे संसार को दे। लेकिन केवल इसमें परमात्मा है ना, परस्पर विरोधी स्वभाव रखता है। ये वज्र जैसे कठोर भी होता है, कोमल जैसा पुष्प जैसा कोमल भी होता है, ये दोनों परस्पर विरोधी। भगवान वल्लभाचार्य, परमात्मा तत्व विरोधी धर्माश्रय होता है, परस्पर विरोधी। वो कभी बिल्कुल छोटा दिखता है, कभी विराट दिखता है, कभी सबके संग में, कभी बिल्कुल असंग। ये सब विरुद्ध धर्माश्रय होता है, ऐसा पुष्टि मार्ग में बताया। तो भगवान राम विश्वामित्र की दृष्टि में भी यही विरोधी धर्माश्रय है। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, वही विश्वामित्र जी कहते हैं। श्री राम राम रण कर्कश राम राम, कर्कश राम कर्कश, इतना मासूम, इतना कोमल, इतना सुकुमार, ऐसे सुंदर मुस्कुराहट, रण कर्कश। विरोध धर्माश्रय सिद्ध होता है। कर्कश का अर्थ है रण में, गुजराती में वो भारे पड़े हुए, ताकत नहीं मुकाबला कर सके उसके सामने। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणम भव। तू कर्कश हो कि मृदु हो, हमारे तो तारु शरण से है, तेरे शरण के से। ऐसे भगवान राम के मंदिर को केंद्र में रखते हुए हमारा सौभाग्य, सबका सौभाग्य। मैं तो इन ये परिवार जो है, मेरा तो बहुत ज़्यादा परिचय भी नहीं। कानन ने कहा कि ये सेवा लेना चाहते, चंपत राय साहब की मंजूरी ली है, और ये मैंने कहा ठीक है, फिर तो तलगा जड़ा भी आ गए मेरे से बात की, बापू हमको ये, मैं तो ये इनके नसीब कितने कितने अच्छे। आ मंदिर बनू ने एम जो खर्चो थो एट्लो खरे ने तो ये कथा न मे साहब। लेकिन तुम्हारे पूर्वजों का पुण्य जागा है साहब की ऐसी कथा के तुम मनोरथी बन गए, ये भाग्य है। वरना तो लाइन में खड़े होते हैं, कब नंबर लगे, कब नंबर लगे, कब नंबर लगे। मैं मेरे जेब में कुछ नहीं रखता, यजमानों को ही रखता कुछ नहीं रखता मेरी जेब में। हाँ ऐसे कथा में आता हूँ तब नहीं, बाकी तो एक घड़ी रखता हूँ ये, और ये एक दांती और आकर, यदि भी कोई जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी रखता हूँ, ये आदत सी हो गई है। मैं सराहना नहीं करता, मुझे कुछ लेना देना भी नहीं है। मैं तो अपना गंगा जल पीता हूँ, शिव बाबू के घर कुटिया पर ठहरा हूँ, तो मुझे क्या लेना है किसी से। लेकिन भाग की तो सराहना होगी कि बाबू जी आपके पूर्वजों का एक पुण्य की ऐसी कथा में आप मनोरथी बन गए, और आपको ये वित्त जा तनुजा मानसी सेवा का प्रभु ने अवसर दिया। बाकी तो अपने को क्या लेना थे। मैंने कहा पूछे आ गाड़ी में तम बेजा, अरे गम्मे ते ठाठियो लाव ना यार बेजा, अरे आ गाड़ी ने मारे सुन तो तू रिक्शा लिया ना बहन हुई हो, तू समय पर मुझे पहुंचा देना, छकड़े में बिठा दो, ये कीमती गाड़ी है, हमें क्या लेना देना है इसे, मैं और मेरी व्यासपीठ। इंद्र बिचारा राख लगता है मुझे, इंद्र बिचारा। तुलसीदास जी ने कहा था भाजी बिनु लोन, बिना नमक की मैं भाजी खाता हूँ, इंद्र बापूरा कौन, इंद्र बेचारा कौन। तो ये भाग्य, इसीलिए सराहना करने का कोई 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 कारण नहीं है बाबूजी। ये तो कल परिचय थोड़ा करवाया बाबूजी, भोजन पर उसने आए तो ये बेटी है, ये बेटा है, ये सब है, बाकी तो मैं मुझे क्या पता। यजमानों ने बहुत ध्यान रखो जी तो आप भूलाई जाए। मारो मोटो मनोरथ तो आज है साहेब, तुम्हारो ठाकुर से बाकी तो, पर फिर भी जो सेवा कर रहे उसकी उसके तो प्रति मेरी प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ, सही में बात है। तो मानस राम मंदिर जो इन दो पंक्तियों पर कि उस शिव जी कहते उस बाल राम को मैं प्रणाम करता हूँ जिसका नाम जपने से सब सिद्धि सुलभ हो जाती है। और काकभूषण जी कहते हैं ये वो बाल राम मेरा इष्ट देव है, और उसके शरीर की कांति उसकी शोभा जहाँ कोटि कोटि कामदेव वारी जाए निछावर हो जाए
इस दो पंक्ति पर मानस राम मंदिर का संवाद हम चला रहे हैं। और अब कथा की वंदना प्रकरण जो हनुमान जी से छोड़ा था उससे हम आगे बढ़े, थोड़ा वंदना प्रकरण जो समय है उसमें आगे ले। इससे पूर्व 2-5 मिनट के लिए भगवान नाम का संकीर्तन करें, प्रेम से भीतर से सब गाइएगा। परमात्मा ने जिसको जीव देकर संसार में भेजा हो वो गाए, यहाँ आने के बाद जिसने अपने खुद को जीव लगवाई हो वो न गाए तो चलेगा, बाकी सब गाइएगा साहब भाव से 5 मिनट के लिए। 5 मिनट तो मैं बोलता हूँ कोई निश्चित नहीं, 10 मिनट भी हो जाए कोई ठिकाना नहीं मेरा, लेकिन कुछ क्षणों के लिए हरि नाम संकीर्तन करें साहब। देखो कभी कभी क्या है, लोग भोजन करते हैं तो भूख लगे इसलिए पहले गोली खाए, टिकिया खाए ताकि भूख लगे, फिर मैंने देखा आधा भोजन करे तो बीच में फिर एक गोली ले, ऐसे भी मरीज होते हैं, और फिर पूरा हो भोजन उसके बाद पचाने के लिए गोली लेते हैं। राम कथा में राम नाम यह औषधि है। हम शुरू करते हैं तो भी 1 मिनट का कीर्तन कराते हैं, कथा मध्य में जाती है तो बीच में भी कीर्तन कराते हैं और आखिर में भी कीर्तन, तो इसलिए मध्य भाग में आइए भगवान नाम का पास। कोना कोना गाए, बस 170 देश गाए, जहाँ इस राम मंदिर की कथा दुनिया सुन रही है साथ, थोड़ी देर साग भाजी संवारना बंद कर दो, बाखरी बाखरी बनाना आटा बनना बंद कर दो और लग जाओ टीवी के सामने और भाव से राम मंदिर की कथा सुनो और कीर्तन करो। राम जय राम जय जय राम जय जय राम गाइए, राम जय राम जय जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम, राम जय राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम जय राम जय जय राम।
सियाराम, जय सियाराम, जय सियाराम। तो कल अयोध्या कितने ताल में, कितने सब ताल में, सुर में बहुत। अयोध्या को तो ताल में रहना ही चाहिए, सुर में रहना चाहिए, क्योंकि ठुमक चैन कितना कैसा नाचा होगा, क्या क्या स्टेप लिया होगा इस परम तत्व ने। कल की कथा में, पहले दिन की कथा में जो गोस्वामी जी क्रम में वंदना करते हैं, सबकी वंदना की, उसमें राज परिवार की वंदना की, जनक परिवार की वंदना की और श्री हनुमान जी की वंदना तक हम कथा को ले गए थे। उसके बाद भगवान राम के प्रेम राज्य की स्थापना के लिए इस अभियान में जिन जिन सखाओं ने, जिन जिन लोगों ने सहयोग किया, इन सभी सखाओं की वंदना की। उसके बाद राम कथा में मुख्य तो सीताराम है, तो सीता और राम की वंदना करते हुए गोस्वामी जी कुछ चौपाइयां लिखते हैं, उसका हम श्रवण करें, गायन करें। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान, ताके जुगपद हमारी भारतीय सनातनी धर्म की परंपरा में मातृ देवो भव, पहले माँ की वंदना होती है। तो पहले जानकी जी की वंदना की, और जानकी जी की पहले वंदना, देखो भाई, पुरुष कमाता हो, प्रगति करता हो, दुनिया में घूमता हो अपने धंधे के लिए, उसके पैर जमीन पर कम रहते हैं, उड़ता रहता है, लेकिन मातृशक्ति घर में ही रहती है और उसका पैर जमीन पर ही रहते है, इसलिए पहले उसके पैर की वंदना हम करते हैं। आप कल्पना करो, सब कुछ काम हाथ करता है, किसी को फूल दो हाथ देगा, कोई माला दे हाथ ले लेगा, किसी को चंदन करो हाथ करेगा, किसी को दान दो हाथ करेगा, किसी को छीन लो हाथ करेगा, किसी को गले लगाओ हाथ करेगा, किसी को थप्पड़ मारो हाथ, सब काम हाथ ही करेगा, ठीक है। भोजन हाथ करेगा, जल हाथ करेगा, पीना जो भी आप पीते हो हाथ करेगा, सब हाथ। रोटी का आटा कौन मिलेगा हाथ करेगा, रोटी बनाएगा कौन हाथ बनाएगा, सेकेगा कौन हाथ सेकेगा, उसको उलट सुलट कौन करेगा, आदमी का हाथ ही करेगा, ये सब हाथ काम करता है, लेकिन पूजे जाते हैं पैर, ये क्या मामला है।
कोई हाथ में पगे लागे लाओ तुम्हारो हाथ जरा पगे लागे लो, कोई हाथ को नहीं प्यार, कोई हाथ को नहीं करता है, ठीक है, सब प्यारी चरणों को, चरण को ही पकड़ते। पाग ने कुछ नहीं किया, रोटी मली, रोटी बनाई पगरे नको, पैर कुछ नहीं किया, सब कर्म का, जो कर्म का केंद्र बिंदु है वो तो हाथ है, सब काम हाथों से होता है लेकिन पूजा जाते हैं पैर। एक बार हाथों ने पैर को पूछा कि भाई माजरा क्या है, टूट मैं जाता हूं और पूजा तू ले जाता है, पूजा तब कहा कि एक है, तू हवा में घूमते रहते हो, मैं जमीन पर रहता हूं, दुनिया में तो जमीन पर जिसके पैर रहेंगे वो पूजे जाएंगे, जो हवा में लटके रहेंगे, मेरे पास ऐसे पत्ने, मेरे पास इतने पैसे, मेरे पास इतने पदार्थ, मेरे पास इतनी प्रतिष्ठा, मेरे पास इतने, वो तो हवा में, जैसे हाथ तो ऐसे ही होते हैं लटको, पूजे जाए जिसका पैर जमीन पर है। जगदीश त्रिवेदी, पहले सुना था लेकिन जगदीश भाई ने इस ढंग से अच्छा किया था तो मुझे बहुत रस पड़ा। मैंने कहा भैया आपने पहले तो सुनी थी ये बात कि हाथ हवा में लटकते, जो हवा में लटकते होंगे वो पूजे नहीं जाएंगे, जो इसके जमीन पर पैर होंगे वो ही पूजे। जानकी पृथ्वी की बेटी है, इसलिए जनक सुता। हमारे सौराष्ट्र की बातें कुछ सुनो ना आप तो लिफ्ट हो जाओगे, आपको पण ये तो हूँ गुजराती में कहूँ तो तमने फावे, हिंदी आनु ट्रांसलेशन नहीं होते। तमने एक बात कर दू हाँ बाबा, क्या गया बाबू, क्या सुई गया ही, भगवान जागे से नहीं सुई गया, क्या क्या है? अच्छा देखो, एक आम का पेड़ है, गोपाल बाबा आम का पेड़ देखता है कौन, कौन देखता है, आंख देखता, हाथ देखता है, पैर देखता है, पीठ देखती है, सीना देखता है, होंठ दिखता है, कपोल दिखता है, बाल दिखते हैं। आम का पेड़ है और उसके आम के फल लटक रहे, देखता है कौन, आंख देखती है, लेकिन पेड़ के पास जाता है कौन, पैर, आंख देखने का काम करे लेकिन देखते रहे तो आम वहां खड़ा तू यहां खड़ा क्या होगा, लेकिन ले जाएंगे पैर आम तक, लेकिन पैर आम तक जाएंगे लेकिन आम तोड़ेगा कौन, शीर्षासन करके पैर को ऐसे कर तो आम को तोड़े नहीं, तोड़ेंगे तो हाथ ही तोड़ेंगे। आम का फल तोड़ेगा हाथ, खाएगा कौन, आम खाता नहीं, रस काटे बिचारो हाथ धोई नकवाना खाली, आम को काट करके दूसरे को खिलाना उसको तो कुछ मिलता ही नहीं, हाथ धोई ना, खाता है मुख लेकिन मुख में टिकता नहीं, जाता है कहां, पेट में, वहां ज्यादा तो रहता नहीं, जो गया था इसके पास में पेट में जाता है, लेकिन पेट पर जाता है किसी की आंख ने देखा, पैर वहां गया, हाथ ने आम तोड़ा, मुख ने खाया, पेट में संग्रह किया, इतने में आम की बगिया का मालिक आ गया, रंगे हाथ पकड़ा, उसने डंडा लिया, डंडा लेकर मारेगा कहां, पीठ को, अब पीठ ने कोई कसूर नहीं किया, कोई गुना बिचारे पीठ ने, दो डंडे पीठ पर मारे थे, तू वो पीठ का एक में मुझे क्यों मारते हैं, न मैं ले गया, न मैंने देखा, न मैंने तोड़ा, मैंने कुछ नहीं किया, न खाया न पेट, ये सब दूसरों ने बांट लिया, उन मुझे मारते क्यों, बोले दुनिया में तेरी वाह वाह होती ना तब सब पीठ पीठ थपथपा, बहुत व्याह वाह होती है तो डंडे भी खाने पड़ेंगे, फिर डंडे भी खाने पड़ेंगे। ऐसे सौराष्ट्रियों का ये सब चिंतन मनन है, मैं उसको ये भी बहुत पहले सुनी हुई बात थी, तो बहुत चले, तो मेरी माँ जानकी धरती की पुत्री है, धरणी सुता धीरज धरह, जानकी जी मातृदेव हो, पहले माँ की वंदना, मेरे गोस्वामी जी कहते कोई भी राग ले जानकी अतिशय प्रिय
वाल्मीकि न हो तो रामायण रुक जाएगी। वाल्मीकि जी तो कहते हैं भगवान राम गौण है। रामायण में वाल्मीकि सीता का चरित्र ही महत्व है। मेरी व्यासपीठ कहती रहती है जानकी न हो तो जानकी, यदि जानकी नहीं तो हमारे जान की कौन कीमत। ये माँ के कारण हम है, हर एक व्यक्ति अपनी माँ के कारण है। जनक सुता जग जननी, जानकी अतिशय प्रिय ताके। जग जननी जानकी अतिशय प्रिय जनक राज की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान राम की प्रिया, उस जानकी जी की वंदना करते हुए गोस्वामी जी कहते उसके जुगल चरणों की मैं वंदना करता हूं जिसके कारण मुझे निर्मल मति प्राप्त हो। बुद्धि तो सबके पास है, निर्मल नहीं है। प्रश्न यह है किसके पास बुद्धि नहीं, सब बुद्धिमान है। बुद्धि पवित्र हो और गंदे बालक को मां साफ करके बाप की गोद में देता है, देती है, क्योंकि बाप गंदे बालक को सीधा नहीं लेगा। इसलिए तुलसी कहे मेरी बुद्धि रूपी जो निर्मल बुद्धि नहीं है हे माँ उसको तू निर्मल कर दे और फिर वही निर्मल बुद्धि से मैं प्रभु की वंदना करूं। भगवान राम का एक वचन है मानस में, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा। तो आपकी कृपा से मुझे निर्मल मति प्राप्त हो। पूर्णिमन वचन करम रघुनाथ, आपकी कृपा से निर्मल हुआ मन वचन और कर्म से मैं भगवान राम के चरण कमल की बदन, जो सबके लिए लायक है, भगवान की शरणागति के लिए कोई गैर लायक नहीं, सबके लिए वो चरणारविंद लायक, सबके लिए इस सुलभ है। कैसे है राम, राजीव नयन धरे धनुषाधिपति सुख, जिसके नेत्र कमल जैसे हैं, हाथ में धनुष बाण धारण किए हुए हैं। क्यों, भक्त की विपत्ति को तोड़ने, किसी को मारने के लिए नहीं, विपत्ति को हटाने के लिए। यहां विपत्ति देने वाले का भी नाम नहीं, जिसके जिसने दी दी लेकिन विपत्ति हट जाए। विपत्ति देने वाले को भी मारने की बात राम स्वभाव में नहीं आती। राम स्वभाव राम है, अस स्वभाव तुलसीदास जी कहते ऐसा स्वभाव मैंने कहीं देखा नहीं कि सुना नहीं, ये राम स्वभाव। क्यों, राम राम है, भजनी है राम, ऐसे राम है दुख हरण। तैयार खड़े हैं हाथ में धनुष ले, ये
राम जी की वंदना करते हुए गोस्वामी जी बोले, भक्त की विपत्ति को भंजन करने वाले रघुनायक, इनके में चरण कमल जो सबके लिए लायक है उसकी वंदना कर। पहले मातृदेवो भव, फिर पितृदेवो भव, और उसके बाद गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदऊ सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। ये तो लीला के लिए ब्रह्म दो रूप में प्रकट हुआ, एक जानकी के रूप में और एक राम के। तत्वतः भिन्न होते हुए ये अभिन्न है, एक ही है, लेकिन लीला के लिए स एकाकी न रमते। एक आदमी से खेल नहीं होगा, लीला नहीं होगी, दूसरा चाहिए ही। इसलिए वही ब्रह्म मातृ शरीर में सीता कहलाया, वही ब्रह्म पुरुष शरीर में राम कहलाया। तत्वतः अभिन्न तत्व है, सीता राम जी अभिन्न है। दोनों की वंदना की, जिसको खिन्न लोग प्रिय है, पीड़ित वंचित उपेक्षित, जिसको कोई नहीं बुलाता उसको राम बुलाते हैं। ये तत्व भगवान राम है। क्यों आज दुनिया भर में कोई पूर्वग्रह से न मान, लेकिन आदर्श की बात आती है तो राम का आदर्श ही चर्चा में आता है, और किसी का आदर्श नहीं आता। राम का आदर्श, राज्य की चर्चा आती है तो राम राज्य। क्यों ऐसा है, ऐसा रहा है? तो ऐसे राम भक्त की विपत्ति का भंजक है, उसकी तुलसी जी ने वंदना की। और वंदना प्रकरण में उसके बाद अब राम नाम महाराज की वंदना तुलसीदास जी करते हैं। नाम की महिमा, नाम की वंदना बहुत लंबा प्रकरण गोस्वामी जी ने लिखा है, क्योंकि नाम अनंत है, उसको सीमा में बांधा नहीं जा सकता, उसकी महिमा को लिमिट में नहीं कोई कर सकता। हरि अनंत हरि कथा अनंत, ये अनंत तत्व है। तो 72 पंक्तियों में गोस्वामी जी ने राम नाम की महिमा का गायन किया, उसका थोड़ा संक्षिप्त संवाद कुछ पंक्तियों के आधार पर हम करके आगे बढ़े। स्वामी जी कहते, मैं भगवान राम के कई नाम हैं,
लेकिन रघुवर के कई नाम, इनमें से मैं राम नाम की वंदना करता हूँ जो सूर्य चंद्र और अग्नि का कारण है। राम न हो तो सूरज सूरज नहीं, राम न हो तो चंद्र चंद्र नहीं, राम न हो तो अग्नि अग्नि नहीं। भगवान राम सूर्य वंश में आए इसलिए सूर्य की महिमा और बढ़ गई राम के कारण। राम शब्द के साथ चंद्र लग गया इसलिए रामचंद्र का जय जयकार हुआ। और भगवान राम यज्ञ कुंड से अग्नि से बाहर आए इसलिए अग्नि की महिमा। राम है तो सूरज सूरज है, राम है तो चांद चांद है, राम है तो अग्नि अग्नि, इसलिए हेतु कृषाणु भानु हिम करको। कुछ लोग कहते हैं ना राम 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 राम, उनको शास्त्र की महिमा का पता ही नहीं कि राम तत्व क्या है। तुलसीदास जी कहते हैं ओमकार स्वरूप, एक और आप ओम बोलो प्रणव का उच्चार करो और एक और राम बोलो, बिल्कुल एक है जो जिसकी रुचि। हेतु कृषाणु भानु हिम कर को, विधि हरिहर मय वेद प्राण सो। राम वेद का प्राण है, राम तत्व न हो तो वेद निष्प्राण हो जाए, राम के कारण वेद। राम नाम ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा जैसे सृष्टि का सर्जन करे, विष्णु पालन करे, शिव जी जो अनावश्यक है उसका निवारण करे। भगवान राम हमारे हृदय में सत सृष्टि का निर्माण करते हैं। भगवान राम का नाम विष्णु बनकर हमारी सत्वशीलता का पोषण करता है और भगवान राम हमारे हृदय में शिव बनकर अनावश्यक जो जरूरी नहीं है ऐसे विषय और विकारों का समापन करते हैं। ऐसा है राम तत्व। जिसको जगत में प्रथम पूज्य होना है वो राम नाम का आश्रय करे, दृष्टांत सही तुलसीदास जी ने बताया। यद्यपि गणेश की इच्छा नहीं थी कि प्रथम पूज्य होऊं, लेकिन अब सब देवता स्पर्धा में निकले कि दुनिया में पहले पूजा किसकी हो, तो गणेश को भी जाना पड़ा और उसने केवल जमीन पर राम लिख करके एक परिक्रमा कर ली, वो जगत में आज तक प्रथम पूज्य रहे। तो इसका मतलब ये हो सकता है जिसको सबसे ज्यादा हमें पहले सम्मान मिले, इस सम्मान की जिसको ख्वाहिश है वो भी राम नाम जपे, उसको शाश्वत सम्मान मिलेगा। तुलसी को मिला कि नहीं शाश्वत, वाल्मीकि को मिला कि नहीं शाश्वत, तुकाराम भगवान को मिला कि नहीं शाश्वत, गुरु नानक देव को मिला कि नहीं शाश्वत, ज्ञानेश्वर माउली को मिला, सबने नाम का आश्रय किया साहब और शाश्वत को प्राप्त किया। तो राम नाम यदि किसी को प्रथम सम्मान प्राप्त करना है तो राम नाम ले। मेरा एक फ्लावर, उसको कैंसर का वो हुआ तो मुझे फोन आया कि बापू ऑपरेशन करना है, तो मैंने कहा कि हमें बेहोश करके ऑपरेशन मत करना। तो मैंने कहा भी डॉक्टर की सलाह के अनुसार करना चाहिए, इसमें मेरी राय नहीं चलेगी, जैसे डॉक्टर जो इनका विषय है। हाँ डॉक्टर के मैं क्या कहूँ, वो चौपाई नहीं बोल पाएगा और मैं शस्त्र नहीं ले पाऊँगा, ये अपना अपना अधिकार के बाहर है सब। तो, लेकिन उसने ये किया कि ऑपरेशन करो, मुझे बेहोश मत करना। तो क्या कहा कि हमने बापू की कथा सुनी है ना, मैं मानस का पाठ करती रहूँगा, तू ऑपरेशन कर ले साहब। ऑपरेशन कर लिया, मानस का पाठ, ये राम नाम है, इसमें है क्या राम है, राम नाम की महिमा। काशी नरेश के बारे में भाई यही तो घटना घटी थी ना, उसको जो हड्डी का ऑपरेशन करना था उसने कहा कि मुझे बेहोश मत करना, मुझे भगवत गीता दे दो, मैं भगवत गीता का पाठ करूंगा और काट लो, हाँ मैं राजा हूं, मैं वैसे भी बेहोश नहीं और तुम भी मुझे बेहोश नहीं कर सकता, मैं जागरूक हूं। ये घटनाएं घटी है। तो राम नाम के आश्रय से सम्मान प्राप्त होगा। भगवान शिव इस नाम को महामंत्र का दर्जा देकर नाम जप रहे, राम भी महामंत्र है और ध्यान दो राम कथा भी महामंत्र है। जो लोग साहित्य लोग कहते, मैं कबूल करूं जरूर कि
राम कथा रामचरितमानस है महाकाव्य, चलो साहित्य की दृष्टि से बराबर है महाकाव्य, इसको मैं स्वीकार करूं, लेकिन ये आधा परिचय है। रामचरितमानस केवल महाकाव्य नहीं है, ये महामंत्र है, ये पूरा महामंत्र है। राम नाम और राम कथा महामंत्र है। राम नाम को महामंत्र समझकर भगवान शिव काशी में निरंतर इस महामंत्र का जप करते हैं और काशी मुक्ति हेतु उपदेश सबको मुक्ति का उपदेश राम नाम के द्वारा देते हैं। ये राम नाम की महिमा है। आदि कवि वाल्मीकि जी उल्टा नाम बोले, मरा मरा बोले, सिद्ध नहीं शुद्ध हो गए। माताओं को पातिव्रत धर्म की असी धारा पर चलना है तो राम नाम का जप करें। पार्वती विष्णु सहस्त्र नाम का जप करती थी माँ भवानी, कभी कभी घर के कार्य में विलंब हो जाता था। शिव जी ने कहा आप देवी विलंब करती है, क्या तुम्हारा नियम है? बोले मैं हजार बार विष्णु सहस्त्र नाम का। बोले आप ऐसा करो एक बार राम बोलो ना तो सहस्त्र नाम के बराबर हो जाएगा। तब से पार्वती राम मंत्र का जप करने लगी और पातिव्रत्य धर्म की खड़क धारा पर चलकर जगत में पातिव्रत्य धर्म की आचार्या बन गई। भगवान शिव ने खुद अनुभव किया कि राम शब्द को लेकर विष पान किया तो कालकूट विष अमृत का फायदा करा गया। कालकूट फल दीन नाम, तो मेरे भाई बहन जीवन की विषम परिस्थिति में राम को पकड़ो, सम्मान चाहिए तो राम को पकड़ो। शुद्ध रहना है राम को पकड़ो। माताओं को अपने उत्तरदायित्व में खरे उतरना है, राम नाम का जप करो। तुलसीदास जी लिखते हैं त्रेता युग में अवतार लेकर भगवान राम ने जो जो लीलाएं की है वो आज कलयुग में प्रभु का नाम कर रहा है। आज हमारे सामने राम नहीं है, लीला करने वाला राम हमारे सामने प्रत्यक्ष नहीं है, आज उनका नाम हमारे पास प्रत्यक्ष है। राम ने एक ताड़का का उद्धार किया, एक अहल्या का उद्धार किया, भगवान के नाम ने जगत में कोटि कोटि जड़मती को चेतना प्रदान की। भगवान राम ने एक बार और एक शिव धनुष तोड़ा, लेकिन उसके नाम ने कई साधकों के अहंकार को तोड़ डाला। भगवान राम ने शबरी गीत ऐसे लोगों को अपनी शरण में रखा और आज नाम अनेक गरीब नवाजे लोक जो बिल्कुल पतित वंचित तिरस्कृत उसको लेख लोक और वेद में विराजित कर दिया है। ऐसे नाम के प्रताप से कई गरीबों को नवाज बनकर ये राम नाम खड़ा रहा। भगवान राम ने बंदर भालुओं को इकट्ठा करके सेतु बनाया। भगवान का नाम हमारे लिए भव सिंधु को गोपद जल की तरह बना देता है और हम स्वयं पार हो जाते हैं। भगवान राम ने रामराज्य की स्थापना की। आज प्रभु का नाम हमारे अंतर मन में प्रेम राज्य की स्थापना करता है। तो राम नाम की बहुत महत्व है। मैं बार बार कहता हूँ इतने सालों से कि आपने आपको अपने गुरु ने कोई नाम दान दिया हो वो छोड़ना मत, आपके गुरु ने कोई मंत्र दिया हो प्लीज़ छोड़ना मत। हमारे ब्रह्मलीन पूज्यपाद डोंगरे जी बापा कहा करते थे, भागवत के समर्थ महापुरुष, वो कहते थे कि तीन वस्तु कभी बदलनी नहीं, एक मंत्र कभी बदलना नहीं, गुरु ने जो मंत्र दिया जो नाम दिया वो पकड़े रखो, मंत्र बदलना नहीं। दूसरा मूर्ति बदलनी नहीं, अपने इष्ट देव की जो मूर्ति हम रखते हो जो देव हो मुबारक उसको बदलना नहीं, और खो जाए टूट जाए एक बात और है, बाकी मूर्ति बदल। दूसरे के पास अच्छी मूर्ति है तो लाओ हटापटा करिए, नहीं नहीं हटापटा धंधा मत कर, हमारा धंधा मत कर। तो मूर्ति नहीं बदलो, मंत्र मत बदलो, और माला नानी छोटी माला या बड़ी माला बैरखा या कोई माला कभी जो अपनी, ये तीन वस्तु बदलने की हमारे संतों ने थोड़ा विनयपूर्वक मना की है। तो
गुरु ने जो मंत्र दिया वो पकड़े रखना बाप। लेकिन यदि आपके पास कोई मंत्र नहीं है और कोई आधार नहीं है तो तुलसी ने जो लिखा वो व्यासपीठ से मैं कहूँगा, राम महामंत्र पकड़ लो, ये महामंत्र आदि अनादि राम नाम है साथ, ऐसा परम तत्व है राम नाम। तो प्रभु का नाम अथवा तो कोई भी नाम छूटे आपको, मेरा नाम छोटा नहीं है, बहुत आकाश भी उसके सामने छोटा है, इतना बड़ा राम है। तो तुलसीदास जी ने नाम की महिमा बहुत गाई है। वो स्वामी जी कहते कहाँ तक मैं नाम की महिमा गाऊं, स्वयं राम जी को कहा जाए कि आपके नाम की महिमा आप गाए तो राम भी मना करेंगे कि नहीं भाई मेरे नाम की महिमा मैं नहीं कह पाऊंगा। तो कलयुग में नाम ही एक आधार है बाप। सत्ययुग में लोग ध्यान करते थे, परमात्मा का अनुभव करते थे, ध्यान से परमात्मा का अनुभव स्वाभाविक है। त्रेता युग आया तो बड़े बड़े यज्ञ करते थे लोग और परमात्मा को अनुभव में लेते थे। द्वापर युग में घंटों तक पूजा अर्चा परमात्मा के विग्रह की होती थी और परमात्मा का अनुभव होता। कलयुग में केवल नाम, ध्यान करना चाहिए लेकिन ध्यान नहीं हुआ ना तो केवल नाम, यज्ञ करना चाहिए ना करो केवल नाम, पूजा पाठ षोड़ोपचार करो ना करो केवल नाम। तुलसीदास जी कहते हैं नहीं कलि करम न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु, राम नाम को पकड़े कहो कहाँ राम नाम की बड़ी महिमा है। फिर भी मैं कहूँ कि जो आपका मंत्र हो वो रखे, बाकी राम महामंत्र है, राम बीज मंत्र है, राम मंत्र राज है, ये सब तुलसी के शब्दों में यूज कर रहा। कई राजा महाराजे होते हैं, इसमें कोई एक राज शिरोमणि होता है, ऐसे राम नाम सभी नाम का शिरोमणि है, मंत्र राज है, महामंत्र है। तो राम नाम का आशय मंत्र कोई भी लोगों, लेकिन नाम जपने की इच्छा हो तो राम नाम जपना है। और दूसरी पंक्ति में नहीं जोड़ूंगा, तो विनोद में कहते हैं राम नाम जपना है। आप बोल रहे हैं केजरीवाल जी, मैं नहीं बोल रहा हूं। राम मंत्र है, महामंत्र है, बस नाम के नाम, राम राम के नाम समान कोई नाम नहीं और कृष्ण के रूप जैसा कोई रूप नहीं, ये तो हकीकत है। तो कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, तुलसीदास जी कहे नाम और छूट इतनी दे के भाव से जपो तो भी चलेगा, अभाव से जपो तो भी चलेगा, बैठे बैठे जपो तो भी, खड़े खड़े जपो तो भी, करवट बदल कर जपो तो भी, चेयर में बैठकर जपो तो भी, पानी पीते पीते राम राम जपो तो भी, खाते खाते जपो तो भी, जागृत स्वप्न सुषु कोई भी, हरि नाम हरि नाम हरि नाम। तो नाम की महिमा कलयुग में तो विशेष है, चारों युग में नाम का प्रताप है, लेकिन कली विशेष, कलयुग में नाम को विशेष दर्जा दिया है, तो नाम का आश्रय। तो नाम महाराज की वंदना गोस्वामी जी ने की, उसके बाद क्रम में संक्षेप में राम कथा का पूरा इतिहास बताया कि ये राम कथा सबसे पहले भगवान शिव जी ने उसकी रचना की और रामचरितमानस तैयार हुआ और अपने हृदय में रखा, मानस मानी हृदय अपने हृदय में रखा। योग्य समय पर यह मानस की कथा शिव जी ने पार्वती को सुनाई, उसके बाद ये राम कथा बाबा काग भुसुंडी जी को दी और भुसुंडी जी ने गरुड़ को सुनाई, उसके बाद ये शिखरों से ये कथा नीचे आई। कितनी कृपालु है कथा कि शिखर पर कौन पहुंचेगा, स्वयं नीचे उतरी, जैसे गोमुख से गंगा नीचे उतरती है गंगा सागर तक, क्योंकि सब गोमुख नहीं जा पाएगा, तो कथा मैया की ये करुणा को नीचे उतरती है।
तो भगवान की कथा फिर धरती पर आई, तीर्थराज प्रयाग में, जहाँ याज्ञवल्क महाराज ने भरद्वाज जी को सुनाई। उसके बाद मेरे गोस्वामी जी कहते हैं कि सुकर क्षेत्र में, वराह क्षेत्र में मैंने मेरे गुरु से ये कथा सुनी। मैं छोटा था, नादान अवस्था थी, मेरे कृपालु गुरु मुझे बार बार राम कथा सुनाते थे, लेकिन मेरी समझ में बात नहीं उतरती थी। जब कुछ समझ में आया तब मैंने निर्णय किया। भाषा बद्ध करब में सोई मोरे मन प्रबोध देही। मेरे गुरु ने बार बार मुझे कथा सुनाई, सुनाते रहे, सुना, तब कुछ पकड़ में आया। और जब पकड़ में आई बात, तब मैंने निर्णय किया कि मेरे मन को प्रबोध मिले, इसलिए मैं राम कथा को प्रबंध काव्य के रूप में जगत के सामने रख दूंगा। कुछ लोग कहते हैं ना कि बार बार कथा सुनने की क्या जरूरत, यहाँ लिखा है कि बार बार सुनना पड़ेगा, तब जाके मैं और कुछ आप कुछ पा सकेंगे। सुई में धागा पिरो, एक झटके से सुई में धागा जाता है, कितनी बार इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, फिर मुखामृत आप लिखो, धागे को आप जरा गीला करो, फिर धारदार करो, फिर करो तो ऊपर चला जाएगा, ऐसे चला, ऐसे ऐसे चला, या तो मुड़ जाएगा। ऐसा अनेक प्रयत्नों के बाद धागा सुई के नाके में जाता है। वैसे बार बार कान में इस सूत्र डालने के लिए है, ये मानस जो सूत्र है, ये धागे को रामचरित भर ताग तुलसी कहते, ये ताग है, ये सूत्र ग्रंथ है, उसको कान में डालने के लिए बार बार सुनने से कभी कभी नंबर लग जाएगा, कभी धागा पीरो अंदर उतर जाएगा, इसलिए बार बार कथा सुननी पड़े। कई लोग तर्क करते, एक बार सुन लिया, हाँ अच्छा, अयोध्या को रोकना बहुत मुश्किल है, तो बार बार सुनना पड़े। कई लोग आलोचना भी करते हैं, वही कथा, वही रामचरितमानस, वही मुरारी बापू, कब तक सुनना, एक बार सुन ली, पर तूने तो एक बार भी नहीं सुनी। बच्चा तो एक बार सुन लेता तो कभी छूट नहीं पाता है, क्योंकि राम कथा में एंट्री ही है, एग्जिट है ही नहीं सा, मेरे पास आए तो फंसे समझ लो, फिर यहाँ से जाना यद गत्वा न निवर्तन्ते, यहाँ से मुड़ना बहुत मुश्किल है, लौटना मुश्किल है, क्यों मैं ऐसे पिला रहा हूं कि फिर उससे छूटना बड़ा मुश्किल, तो बार बार सुनना पड़ेगा। आप साहब सुनने वाले शायद ये माने कि हमने सुन लिया, आप क्या सुनना, आप मेरी ओर तो देखो कि मैं 65 ईयर्स से गा रहा हूं, अभी मुझे अरुचि पैदा नहीं हुई, वही चौपाइयां, वही छंद सौरठे, वही कथानक, वही लीला, वही पात्र, हम और आनंदित होते जा रहे, और आनंदित हो जाते, यही होगा। मैं हर बार ही बात, पहले मुझे लोग कहते थे बापू कथा रिकॉर्ड मत करने दो, लोग रिकॉर्ड कर देंगे तो फिर पंडाल में कोई सुनने नहीं आएंगे, अपने घर में सोफे पर बैठे कर चाय पीते पीते सुन लेंगे। मैंने कहा नहीं, प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, जिसको जो कर। और फिर लाइव टेलीकास्ट का वो बात आई तब तो कई लोग कहते थे बापू फिर पंडाल खाली रहेगा, मैं उनको आज निमंत्रित दूं, कुछ तो चले गए हैं, वहीं से मैं उसको बुलाऊं कि दर्शन भी कर ले और कथा का माहौल भी देख ले, क्योंकि एक यंत्र पर सुनना ये भी एक अपनी महिमा है, भले उसको लाइव टेलीकास्ट कहता है, कहा जाता है, लेकिन आमने सामने रूबरू में सुनना साहब, इसकी महिमा कुछ और है। मैं तुझे देखूं, तू मुझे देख, देखते देखते हो जाइए कैसे योग, एक श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, दोनों ज्ञान निधि हो जाए, दोनों एकत्व को प्राप्त करें। सुनना कितना लोगों ने वर्षों थी जो तू कथा सांभळी थी, ये एवान एवान हुई है, ये वो नहीं वो काय पे कितना ने जो 50-50 वर्ष थी मैंने सांभळे, एम नम काय फर्क नहीं, फर्क नहीं मिलसे,
વ્યંગમય નથી કહેતા, એવા ને એવા મોરારી બાપુ એવું ને એવું. કથા સુનની પડેગી, કથા નહીં સુનોગે તો કચરા સુનોગે સાહેબ. એ તો કથા પર યાદ રખના, શ્રવણ વિજ્ઞાન હૈ, શ્રવણ વિજ્ઞાન. જિસકા ભાગ્ય હોતા હૈ વોહી કથા શ્રવણ કર સકતા. આપ જો કહેતે હૈ કે કથા મેં ક્યા સુનના, સમજના ઉસકે ભાગ્ય અભી ખુલે નહીં. ભગવત કથા તો પુરુષાર્થ સે નહીં મિલતી, પ્રારબ્ધ સે કુછ કુછ મિલતી હૈ, લેકિન કિસી મહાપુરુષ કી કૃપા સે સબ કુછ મિલા દેતી હૈ. તો એસી ભગવાન કી કથા તુલસીદાસજી ને ગ્રંથસ્થ કી 1631 કી સાથ સંબત સંબત સુર સે નિવૃત્તિ પરમ કથા ૩૧ की चैत्र मास की चैत्री नवरात्रि पूरी हुई और रामनवमी का दिन था. कहते हैं कि त्रेता युग में भगवान राम का प्राकट्य हुआ, तब जो योग लगन ग्रहवार तिथि सब अनुकूल हुआ था, वैसा फिर एक बार योग हुआ 1631 की रामनवमी को, मंगलवार था. उसी दिन अयोध्या में तुलसीदास जी ने कहा, नवमी भौम बार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकार. अयोध्या में इस कथा का प्राप्त, इसलिए व्यासपीठ कहती रहती है कि राम की जन्मभूमि भी अयोध्या और रामचरित मानस की जन्मभूमि भी अयोध्या. राम की जन्म तिथि नवमी, रामचरित मानस की जन्म तिथि भी नवमी. राम का जन्म का वार मंगलवार, भौमवार. रामचरित मानस की प्राकट्य तिथि में भी वार था मंगलवार. उस समय भी 12 बजे मध्यान्ह का सूर्य, और तुलसी ने मानस के प्रकाशन किया तब भी मध्यान्ह का समय, और अब तो मध्यान्ह ही मध्यान्ह है. अब ऐसी राम कथा की रोशनी व्याप्त हुई है कि मध्यान्ह ही मध्यान्ह. तो तुलसीदास जी ने अयोध्या में राम कथा को वो प्रकाशित की और लोगों के सामने रखी और एक रूपक बनाया कि एक सरोवर है. इस सरोवर में 4 घाट बनाए. ये मानसरोवर है, ये सरजू जो है मानसरोवर की पुत्री है. वाल्मीकि जी भी संकेत कर देते हैं ब्रह्मा के आदेश पर हिमालय में ये सरोवर, और वहाँ भगवान शिव जी को जो आदेश हुआ, ये वाल्मीकि का भी यही संस्मरण है. तो सर से निकली ये सरयू, सर से मानस सर से जिसका जन्म हुआ वो सरयू. राम नगरिया राम की बसी गंग के तीर, जैसे मंदाकिनी गंगा वैसे सरजू गंगा. यस, राम नगरिया राम की, राम नगरिया तो अयोध्या, राम की नगरी. राम नगरिया राम की बसी गंग के तीर, अचल राज महाराज को अने चौकी हनुमंत वीर. हमारे संत समाज ऐसा गाया करते हैं, अचल राज महाराज को भगवान राम, जब ते राम प्रताप खगेशा, अचल राज महाराज को और चौकी हनुमंत वीर. तो ये गंगा, ये सरयू गंगा, तो मान सरोवर है, उसके 4 घाट होते हैं सरोवर के. एक ज्ञान घाट,
जहाँ शिव जी पार्वती को कथा सुनाते हैं, एक उपासना घाट वहाँ कागमुसुंडी गरुड़ को सुनाते हैं, एक कर्म का घाट जहाँ याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को कथा सुनाते हैं, और एक न ज्ञान न कर्म न भक्ति न उपासना कुछ हमारे जैसों के लिए, केवल शरणागति का घाट, केवल प्रपत्ति का घाट। वहाँ तुलसीदास जी अपने मन को कथा सुनाते हैं और अपने मन को श्रोता बनाकर गोस्वामी जी कथा का आरंभ करते हुए हम सबको तीर्थराज प्रयाग लिए चलते हैं, भरद्वाज जी के आश्रम में लिए चलते हैं, तुलसी की चौपाई माठ। स्वामी जी शरणागति के घाट से कथा का आरंभ करके हमें लिए चलते कर्म के घाट पर, तीर्थराज प्रयाग पर। इसका मेरा समझ में ऐसा उतरा कि शरणागति का अर्थ पुरुषार्थ नहीं करना, ऐसा नहीं होना चाहिए, कर्म के घाट पर जाना चाहिए। गीता तो कहती है क्षण भी कर्म के बिना कोई रह नहीं सकता, सुई जाओ तो पड़खो फिर वो एक कर्म से, उंगमा बोल बोल करो सोई, घना मानस तो उनको आँख खोले बंद करे, आत्मा अपने बताएगा जागे से सुतो, ये सब करे कर्म, सांस चालू रहती है कर्म है, एक क्षण भी बिना कर्म हम जी नहीं सकते। तो शरणागति का अर्थ कभी कभी कि हमें क्या करना, पूर्ण शरणागति की बात और है, लेकिन हमारे जीवन में ऐसी पूर्ण शरणागति कहाँ आती, तो हमें अपना उत्तरदायित्व अपना कर्म अपनी फर्जें निभानी चाहिए। तो कर्म की पीठ पर कथा को लिए चलते हैं। कल्पवास कुंभ का मेला पूरा हुआ, जैसे दो दिन पहले मेला पूरा हुआ, कानन ने कहा कि पूरा हो गया था, तो दो दिन पहले ही माघ पूर्णिमा को पूरा हुआ। वैसे प्रतिवर्ष प्रयाग में कल्पवास होता है, एक बार का कल्पवास, सब संत लोग विदा होने लगे, भरद्वाज जी के आश्रम में ठहरे, परम विवेकी याज्ञवल्क महाराज विदा मांगते हैं कि महाराज अब हम भी जाएं। तब भरद्वाज जी ने चरण पकड़ करके कहा, महाराज मैं आपको विदा नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे मन में एक संशय है और ये संशय मिटाने के लिए एकमात्र आप महापुरुष है जिसके हाथ में सभी वेदों के रहस्य हैं। आपके पास ये संशय पेश नहीं करूंगा तो मेरा अकार्य हो जाए, तो मेरे संदेह का निवारण करो। फिर वो प्रश्न पूछते हैं, राम कौन है,
ये दशरथ के पुत्र वही राम, शिव जपते हैं वो, उपनिषद गाते वही राम, दशरथ के बेटे का नाम लेते कि ये कोई दूसरा, ऐसे बहुत से प्रश्न भरद्वाज जी ने पूछ डाले। उसको निश्चित नहीं हुआ, जाने बिनुन हो ही पड़ती थी, जिन ही राम पद अति अनुरागा, जाने बिना तो प्रेम नहीं होता, और ये इसको तो राम के चरण में बहुत प्रेम है भरद्वाज जी के पूर्व परिचय में, लेकिन हमारे लिए पूछ रहे हैं कि महाराज ये राम तत्व क्या है, ये हमें बताओ, फिर राम कथा सुनाओ हमको। भरद्वाज जैसा श्रोता मिला तो याज्ञवल्क महाराज कथा सुनाने के लिए प्रसन्न हो गए, मुस्कुराए। तुलसीदास जी पंक्ति लिखते हैं, जाग बलिक बोले मुस्काई, मुस्कुराकर बोले कि तो आपको राम की प्रभुता का पता है, आप मूढ़ की तरह प्रश्न पूछ रहे क्योंकि राम के गूढ़ चरित्र को आप मेरे मुख से सुनना चाहते हैं, आप जैसा श्रोता मिले तो। श्रोता, श्रोता के लक्षण रामायण में बताए, श्रोता कैसा होना चाहिए, आप आपके लिए, हमारे लिए भी लिखा है लेकिन हमारी बात बाद में, पहले आपकी बात, क्योंकि आपकी ज़्यादा संख्या है तो बहुमति का समय सवाल है, ज़्यादा लोग हो उसकी बात पहले करनी चाहिए, तो आपकी संख्या ज़्यादा है, मैं अकेला हूँ, तो श्रोता के लक्षण रामायण में श्रोता कैसा होना चाहिए। श्रोता सुमति, श्रोता का पहला लक्षण तुलसीदास जी ने लिखा है, समझ वाला होना चाहिए, सुमति होना चाहिए। अब सुमति वाला, अब उसके बारे में मैं बहुत कुछ कह सकता हूं लेकिन ज्यादा ना कहूं। श्रोता सद्बुद्धि वाला होना चाहिए, सुमति। श्रोता सुमति सुशील, शीलवान होना चाहिए। तीसरा लक्षण श्रोता का बताया, शुचि, पवित्र होना चाहिए। श्रोता सुमति सुशील शुचि कथा रसिक, इसको कथा में रस होनी चाहिए। श्रोता का अधिकार किसको, कथा में रस होना चाहिए। यहां तो कोई नहीं सो रहा है, ये मेरा भाग्य और इनका भी भाग्य, ताकि कथा में लोग रुचि ना हो तो सो जाते हैं, यहां तो कोई नहीं सो रहा, रिकॉर्ड है, कोई कोई है जो रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, अब क्या करें, हमारा रिकॉर्ड किसी को सिद्ध होने ही नहीं देना तो मैं क्या करूं, हमारा रिकॉर्ड खंडित ही करना है उसको, तो जो लगे है तो इसमें क्या, बाकी कोई सो नहीं रहा। कब हमें निंद नहीं आएगी कथा में, जब कथा रसिक, कथा का रस। जूस पिता पिता कोई सो गया, गिलास डल जाएगा, कोट के जेब में रस जूस चला जाएगा, क्या कथा का रस का रसिक, ये उनका एक लक्षण है। श्रोता, श्रोता सुमति सुशील सुचि कथा रसिक हरिदास, और दैन्य होना चाहिए, प्रभु का दास होना चाहिए, भगवान का भक्त होना चाहिए, ये कुछ लक्षण। ऐसा श्रोता किसी वक्ता को मिल जाए तो गुप्त से गुप्त बात भी वक्ता खोल देता है। ऐसे वक्ता के भी लक्षण बताए हैं लेकिन वो आपको सुनने की जरूरत नहीं है, वक्ता के भी बताए कि वक्ता कैसा होना चाहिए, ये भी तो है, एर गैर कोई वक्ता नहीं हो सकता। देखो एक बात मेरी पक्की निष्ठा के साथ, वक्ता व्यवस्था के रूप में धरती पर आता है, अकस्मात नहीं है। जो शुक कैसे आए होंगे साहब, शुक बनाए जाए, शुक उतरा है, वाल्मीकि जी उतरे, तुलसीदास जी उतरे, उसके पद नक्श पर हम थोड़ा चलते हैं, मौज करते हैं, बात और है, बाकी अस्तित्व की व्यवस्था है। ऐसे महापुरुष, ऐसे बुद्ध पुरुष धरती पर आते हैं, तो वक्ता के भी जे यही गाव ही चरित संभारे, ते यही ताल चतुर रखवारे। वक्ता का एक लक्षण बताएं कि इस राम चरित्र को संभाल कर जो गाए, कहीं खरोच ना आए, कहीं सूत्र भंग ना हो, आर्य मर्यादा न टूटे, सनातन धर्म की कोई बात को वो न लगे, इस मान सरोवर के वो रक्षक है, उसके चौकीदार है, ऐसे वक्ता की महिमा। जो बड़े बड़े आचार्य हुए उसके बारे में ये बातें बताई है। तो बाप भगवान राम की गूढ़ कथा है, वक्ता भी
समझदार, ज्ञान निधि का अर्थ मैं सरल करूं, समझदार होना चाहिए, श्रोता भी समझदार होना, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, क्योंकि कथा राम के गूढ़, राम की कथा अत्यंत गूढ़ है, ये केवल वार्ता नहीं। मैं हमारे अहमदाबाद की एक यूनिवर्सिटी में मुझे बुला गए, वहाँ वार्ता का सेमिनार चल रहा था। अब मैं अनपढ़ आदमी, मुझे ले गए तो जाना पड़ा, तो गया मैं, तो एक दो प्रोफेसर बोले कि राम कथा भी वार्ता है, राम की कहानी। अब उसको राम कथा इतना कहानी कही वो भी तो अच्छा है, वार्ता कही भी तो सद की वार्ता है कम से कम। तो उसने कहा राम कथा तो वार्ता है, तो मुझे आखिर में बोलना था, तो मुझे ज़रा ठीक तो नहीं लगा कि राम कथा को एक वार्ता कह रहा, ये महामंत्र है, ये परम प्रसाद है, उसको ये वार्ता कहानी कहता है। आखिर में मुझे बोलने की बात आई, मैंने कहा कि आपने राम कथा को वार्ता कहा कहानी, तो उसके मैं कोई नकार नहीं रहा, लेकिन एक बात कहूँ कि वार्ता जब दादी माँ कहती है तो बच्चा सो जाता है। देहातों में छोटी सी वार्ता दादी माँ कहेगी, लॉरी सुनाएगी, बच्चा सो जाएगी। हाँ, ये वार्ता नहीं है, ये ऐसी कथा है जो आदमी को सुलाती नहीं, जागृत कर देती है, इसलिए मैं उसको वार्ता का दर्जा नहीं दे पाता, ये तो हमें जगाती है। तो ऐसी भगवान की कथा, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़, तो ऐसी कथा याज्ञवल्क्य महाराज ने भरद्वाज जी के सामने शुरू करते हैं, और सबसे पहले शिव चरित्र की कथा कहते हैं, शिव चरित्र सुनाते हैं। पहला प्रकरण कथा जब शुरू होती है प्रयाग में, उसमें शिव चरित्र और पार्वती का चरित्र है, ये पहले कहा। तो शिव चरित्र का थोड़ा स्पर्श हम कल की कथा में करेंगे, जो याज्ञवल्क्य महाराज भरद्वाज जी को सुनाएंगे। शिव चरित्र, पहले शिव चरित्र गाया गया है मानस में, क्योंकि शिव चरित्र में यदि हमें रुचि हो तो ही रामचरित्र में हमारा प्रवेश हो सकता है। तो पहले शिव चरित्र की कथा, कल हम थोड़ा संवाद उसका करेंगे। आज की कथा को मैं यहाँ विराम दूँ, इससे पूर्व करूं, जो उठ गए हैं जरूर उठें, लेकिन प्रसाद लेकर जाए प्लीज। यहाँ बाबूजी की ओर से भी भंडारा अन्न क्षेत्र खुला है, और ये राम कथा का प्रसाद है, तो सब प्रसाद ग्रहण है यदि अनुकूल हो तो, और लंगर भी लगा हुआ है, बताया मुझे कि एक लंगर भी चल रहा है। जहाँ प्रसाद आपकी रुचि हो तो आप प्रसाद लेकर जाइएगा, और एक मिनट के लिए हरिनाम, उसके बाद कथा को विराम। हरे राम Thank you.
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare 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 दिन की राम कथा मानस राम मंदिर यहाँ हम उसको विराम दे रहे हैं। आप सभी को मेरा प्रणाम, जय सियाराम। और एक सूचना कि आज 5 बजे मैं जहाँ ठहरा हूँ 9 दिन के लिए, वहाँ आप मुझे मिलने के लिए आ सकते हैं। लेकिन व्यवस्था आपको बनानी होगी, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठना होगा। मैं 1 घंटा मिलूँगा, फिर मुझे बाहर जाना है, मैं बाहर जाऊँ उसके बाद वहाँ कोई बैठे ना, फिर समझ लेना कि बात पूरी हो गई है। फिर मैं जब जब जाहिरात करूँ कि मैं आज मिलूँगा तभी ही आना, मेहरबानी करके मुझे संकोच में मत डालना। आज 5 से 6 बजे तक मैं वहाँ मेरी कुटिया पर आपको मिलूँगा। आज की कथा विराम रहिए, भाव से बोलिए राम चंद्र भगवान प्रिय बाल कृष्ण भगवान प्रिय सद्गुरु भगवान प्रिय नमः पार्वती वत्सले
खाना चित कोट जमु बस भगवान सचिवान नगर निकमर ना भक्ता समझाए
हलिमल हरनी प्रसन्न प्रायो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रा सुमति रुजुयतां देवानां रातिरविनो निवर्तता देवानां सत्यमुपसेदि मा वयं देवान आयु प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वया निविदा भूमहे वयम् भगं मित्रमदिदिं दक्षमश्रिदं अर्यमणं वरुणं सोममश्विना सरस्वती नः सुभगा मयस्करत तन्नो वातो मयो भुवातु भेषजं तन्माता पृथिवी तत्पिता द्योः तद्ग्रावाण सोमसुतो मयो भुवस्तदस्विना शृणुतं धिष्णायुवम् तमीशानं जगतस्तस्तुषस्पतिं धियं जिन्वामवासे भूमहे वयं भूषानो यथा वेदसाम सद्हृदे रक्षिता पायुरदग्ध स्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो वृतस्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तार्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु वृषदस्वा मरुत वृष्णीमातर शुभं यावानो विदते सुजग्मय अग्निजिह्वा मनवसूरचक्षसो विश्वे नो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णे विश्रूयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गे स्तुष्टुवां सस्तनूनि यशेम देवहितं यदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा यत्रा नश्चक्रा जलसन्तनूनां पुत्रा सो यत्र वितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिषतायुर्गन्तो यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवीशान्ति प्रापश्शान्ति दोषदयशान्ति वनस्पतय शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेति देवारेव देवा यज्ञे देवा इन्द्रः देवा हि भूषण देवा हि देवा पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदस्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ